अब करो तो स्टार्ट कुछ। ट्रायल है अभी। हेरिडिटी, अगर वर्ड जब भी आता है आपने इमीडिएट जीन्स को याद करना है, क्योंकि हेरिडिटी अगर वहां ऑप्शन भी जेनेटिक प्रोग्राम या जीन्स ऐसे आते तो उसका मतलब हेरिडिटी ही होगा। दूसरी तरफ हेरिडिटी या जीन के अलावा जब गर्भाधारण या कंसेप्शन होता है उसके बाद 9 महीने का पीरियड और डेथ तक जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं बाहर, बेशक वो मटेरियल है, बेशक वो सोशल रिलेशन है, वो सारा एनवायरनमेंट होता है। इस पर डिफरेंट क्लास लगेगी कि हेरिडिटी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, इनका डिफरेंस क्या है और इनके जो क्वेश्चन क्या आते हैं उस पर एक्सरसाइज डिफरेंट होगी। आवाज ठीक है अब? ठीक है विजुअल? यस सर, अब ठीक है, मच ठीक बेटर। है, मच बेटर। कितने मार्क्स देते हो 100 में से विजुअल को और ऑडिटरी को? 70 70। बाकी कोई 70 से नीचे वाला एक कोई है? 60 सर। और कोई इससे ज्यादा पास मार्क्स? इस वो जिधर माइक ऑन करके उधर डाउन तरह कर किया दे, माइक करके बंद करके देखिए। वो ऑन कर दिया। 1 मिनट है, एक चेंज करके देख दे हैं। तुसी सारे अपना माइक बंद करो सारे, 1 मिनट लिए माइक बंद हो गए। ओके, माइक बंद हो गए। अब आप लिख के कमेंट करके बताना कि विजुअल और ऑडिटरी कम्युनिकेशन बेटर है, ठीक है, कितने मार्क्स हैं? ठीक है, अब मैं बात करूंगा। थोड़ा ट्रायल ही एक तरह से चल रहा है, वैसे क्लास भी चल रही है। तो ये एनवायरनमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को साथ साथ में लेके चलना पड़ेगा जब ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, लर्निंग एंड डेवलपमेंट को समझना है। सुनाई दे रहा है? पहले मैसेज करो, कम्युनिकेशन इंश्योर करो। हाँ जी यस सर की बजाय 100% बोलो। किसी को 100% क्लैरिटी है? या कितने 100 में से कितने मार्क्स दे रहे हो विजुअल को, ऑडिटरी को, दोनों को मिक्स करके? 80 100 करो करो। बाकी भी गुड, विजिबिलिटी, वॉल्यूम, फंक्शनिंग। मेरे ख्याल में माइक प्रॉब्लम दे रहा है, फिर माइक यहां से स्पीकर बंद किया है मैंने। थोड़ी इतना हो गई है, हम फोन के नेटवर्क से जो है उसके करके वेरिएशन आ रही है सर। सर नॉट प्रॉपर, नॉट प्रॉपर वाले कौन से? नॉट प्रॉपर 60% सर, नॉट प्रॉपर। ये कौन है, शमी गुप्ता साहब कौन है? इनको नहीं, 60% आ रहा है इनका, कहते नॉट प्रॉपर है। 100% 90% बाकी तो ठीक हो रहे हैं वैसे। ओके चलें फिर शुरू करें, शुरू से शुरू करें। अब रिकॉर्डिंग होगी शुरू? रिकॉर्डिंग सॉरी, नहीं रिकॉर्डिंग होनी चाहिए सर। हमने अब तक बात की है कि बेसिक कंसेप्ट पहले लर्न करने हैं, उसके बाद वो लर्निंग के बेस पर नेक्स्ट डिफिकल्ट लर्निंग को की तरफ बढ़ेंगे। यहां पर कंसेप्ट लिए हैं 4, मेरे ख्याल में मैंने ज्यादा कंसेप्ट ले लिए, ये भी हो सकता है। बाद में दो दो करके इनका कंपैरिजन करेंगे। मैंने इनको अरेंज ऐसे की क्यों किया है, पहले ग्रोथ और मैच्योरेशन को रखा है ऊपर और नीचे लर्निंग एंड डेवलपमेंट को रखा है। इनका संबंध ऑर्डर भी है इनका, अगर मोस्ट स्पेसिफिक देखें तो ये होंगे और मोस्ट वाइडर और कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक जो होंगे वो डेवलपमेंट होगा। इट मींस डेवलपमेंट का पार्ट लर्निंग और मैच्योरेशन और ग्रोथ होगा, ये बात यहां से क्लियर है। ये ऊपर और नीचे हॉरिजेंटल वर्टिकल अरेंजमेंट क्या कह रहा है, ये वर्टिकल वाला कह रहा है कि एच, इनका संबंध एच से ज्यादा है। एच क्या है, हेरिडिटी, पहले बात की है। हेरिडिटी को समझना है तो एक वर्ड, द बेस्ट वर्ड जो बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, जीन्स। अगर ये पूछा जाता है कि व्हाट आर द कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी, देन आंसर होगा जीन्स। अगर ऑप्शन में नहीं है तो क्रोमोसोम हो सकता है। अच्छा, हेरिडिटी क्या है कि जब कंसेप्शन, जब गर्भाधारण होता है उस वक्त एक सेल से हम मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लीकेशन होती है,
तो ट्रेट्स जो है हमारे इमीडिएट पेरेंट्स के पास ऑन होते हैं उसको हेरिडिटी कहते हैं। उसके अलावा जितने भी इन्फ्लुएंस हमारी पर्सनालिटी पर होते हैं, बेशक वो डाइट से हैं, बेशक वो रिलेशन से है, बेशक वो मटेरियल एनवायरनमेंट से हैं, बेशक वो किसी और बाहरी ये जो हवा पानी वगैरह है, ये सारा कुछ एनवायरनमेंट में आ जाता है जिनके इन्फ्लुएंस है। इट मींस कंसेप्शन से हेरिडिटी तो डिसाइड हो गई कंसेप्शन के टाइम पर, और उसके बाद कंसेप्शन से लेके डेथ तक का जो पीरियड है वो हमें एनवायरनमेंट ही मिलता है। तो हम बेसिक क्या है एजुकेशन का, कि हम अच्छा एनवायरनमेंट दे के बच्चे को बेटर कर सकते हैं। वो बेटर करने की प्रोसेस ही डेवलपमेंट होगी, वो बेटर करने की प्रोसेस जो इंटरेक्शन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे उसको एजुकेशन बोलेंगे। अच्छा, यहां से आगे चलते हैं कि कंसेप्ट शुरू करते हैं। एक बात और है कि अगर आप बेटर लर्निंग रिफ्लेक्टिव लर्निंग बनना चाहते हो तो KWL फॉर्मूला अपना सकते हो। फॉर एग्जांपल वो कैसे कि अगर आपने ये शुरू किया है, अब आप ये नोट कर सकते हो, ऐसी एक शीट बना सकते हो, एक डायरी लगा सकते हो जिसमें ये नोट कर सकते हो कि मेरे लिए क्या व्हाट आई नो। फॉर एग्जांपल आज है टॉपिक मैच्योरेशन ग्रोथ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, क्या आप इसके बारे में जानते हो। ये आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन क्या आप जानना चाहते हो ये क्वेश्चन जरूर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप ऐसा लिख सकते हो कि मैं ग्रोथ एंड मैच्योरेशन के रिलेशनशिप एंड डिफरेंस जानना चाहता हूं, और पीरियड के बाद आप इसको नोट करो कि मैंने ये डिफरेंस या सिमिलैरिटी आज लर्न की है। ये आपका टीईटी की तैयारी जब करनी है, एक बार ये बुक को रिवाइज करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस मच बेटर हो जाएगी। ये लेकिन ये रिफ्लेक्टिव है, थोड़ी मेहनत लिखने में लगती है, दैट इज व्हाई हम नहीं करते, लेकिन मैं सुजेस्ट करता हूं। हर टॉपिक हमारा इसके साथ चलेगा। अच्छा, नेक्स्ट है फर्स्ट डेवलपमेंट CDP का पेपर है, उसका उसी का ये पार्ट है। एक और कंसेप्ट लर्न कर लेना चाहिए, वो क्या है कि चाइल्ड का मीनिंग क्या है इसमें जो हम पेपर पढ़ रहे हैं। क्या चाइल्ड का मीनिंग, चलो आप उत्तर, वैसे अभी पोलिंग नहीं हो सकती। ये एक कंसेप्शन फर्स्ट स्टेज हो गई, 9 महीने की बर्थ तक, ओके। उसके बाद इन्फेंसी है, बेबीहुड है। बेबीहुड वर्ड जो है हरलॉक ने यूज किया है, बाकी साइकोलॉजिस्ट ने नहीं किया। देन चाइल्डहुड है, एडोलसेंट है, अडल्टहुड है, डेथ हो गई हमारी। तो ये 9 महीने का पीरियड, उसके बाद बर्थ से डेथ तक का पीरियड। आप हेलो माइक बंद कीजिए। हेलो माइक बंद कर लो। ओके, क्वेश्चन ये क्या पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ चाइल्ड। CDP पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सी का मतलब क्या है, क्या इसका मतलब बर्थ से लेकर चाइल्डहुड तक है, क्या इसका मतलब बर्थ से लेकर अडोलसेंट तक है, क्या इसका मतलब कंसेप्शन से लेकर अडोलसेंट तक है। राइट आंसर है तीसरा, कि कंसेप्शन से लेकर जब अडोलसेंट तक की स्टडी हम करते हैं, अडोलसेंट है 19-20 तक का जो पीरियड एज मारी हो जाती है, वहां तक की स्टडी करते हैं, उसको चाइल्ड डेवलपमेंट में कवर किया जाता है। जब वर्ड आता है ह्यूमन डेवलपमेंट या लाइफ स्पैन, दूसरा क्वेश्चन, तो ये कंसेप्शन से शुरू होके येलो लाइन सारी कवर होगी, डेथ तक की स्टडी होगी। तो हमारे CDP में दोनों तरह की थ्योरीज आएंगी, एक ऐसी थ्योरी जो कंसेप्शन या बर्थ से शुरू होके अडोलसेंट तक की स्टडी करेगी, फॉर एग्जांपल प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। कुछ थ्योरीज होंगी जो बर्थ से शुरू से लेके डेथ तक, फॉर एग्जांपल एरिक्सन की साइकोसोशल डेवलपमेंट की, कोलबर्ग की थ्योरी है। ये सारे आंसर बन रहे हैं, आपने नोट कर लेना है तो बेटर रहेगा, जैसे पीछे बता के आया हूं। कोलबर्ग की थ्योरी भी जो लाइफ स्पैन थ्योरी है, ह्यूमन डेवलपमेंट की थ्योरी है, ये बातें हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो ग्रोथ है ना, डेवलपमेंट लर्निंग, एंड फोर्थ कौन सा था, अच्छा
द मोस्ट कॉमन वर्ड इन मैच्योरेशन ग्रोथ लर्निंग डेवलपमेंट, जब इसकी एनालिसिस करते हैं द मोस्ट कॉमन वर्ड चेंजेस, चेंजेस के बिना आप को कोई भी डिफाइन नहीं कर सकते मैच्योरेशन को, ग्रोथ को, लर्निंग को, डेवलपमेंट को। हाँ, चेंजेस कैसी होती हैं ये लर्न करेंगे, किस डोमेन में होती है डोमेन को देख ले हम, इस पर भी डिफरेंट क्लास लगेगी। पहले फिजिकल आ गई, सोशल आ गई, कॉग्निटिव आ गई, जो है मॉरल आ गई। ओके, ये डोमेन्स है। डोमेन्स का दूसरा नाम एरिया भी इसको बोल देते हैं और इसको डायमेंशन भी बोल देते हैं। तो क्या हमने देखना है, क्या मैच्योरेशन ग्रोथ लर्निंग डेवलपमेंट इनका संबंध फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव, मॉरल किस किस के साथ है, है ना। फॉर एग्जाम्पल जब हम देखेंगे कि फिजिकल, तो ये दोनों वर्ड फिजिकल बार बार इसमें आएगा। जब ये सारे कवर हो जाएंगे तो ये डेवलपमेंट की तरफ चले जाएगा। लेकिन ये सभी चेंजेस हैं। अच्छा, ये चेंजेस होते कैसे हैं ये जरूरी है। ड्यू टू कॉज क्या होता है, किसी का हेरिडिटी ज्यादा कॉज होगा, किसी का एनवायरमेंट ज्यादा कॉज होगा। ये नहीं होगा कि किसी का भी 100% हेरिडिटी होगा, ये नहीं होगा कि किसी का भी चेंज का कॉज 100% एनवायरमेंट होगा। तो ये हम अब चेंजेस वो कौन से कैसे होते हैं इनका आंसर आगे चल के लेते हैं। पहले आप ये देख लीजिए एग्जांपल्स, ये मैं आपको दिखाता हूं, ये डायग्राम मैंने बनाया है, अच्छी तरह से इसको देखिए। एक सर्कल है, बड़ा सा बड़ा सर्कल है, नेचुरली है कि वो डेवलपमेंट को डिपिक्ट करेगा। तो उसके बीच में सबसे नीचे मैंने जीन्स लिखा है, यहां पर ये जीन्स लिखा है, ठीक। और जीन्स डिटरमाइन किसको करते हैं, ग्रोथ को। उसी के साथ यहां पर मैच्योरेशन लिखना है, लेकिन यहां स्पेस नहीं थी, उसकी डिस्क्रिप्शन यहां दी हुई है। अब पहले एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या है आपके पास कि एक बच्चा, हेलो, एक बच्चा बैठा हुआ है, है ना। बर्थ के बाद की स्टेजेस है, दूसरा वो क्रॉल कर रहा है, तीसरा वो स्टैंड अप होने की कोशिश कर रहा है, चौथी स्टेज है कि वो स्टैंड हो चुका है। तो ये टाइम के साथ चेंजेस आते हैं। जब आप फोकस करते हो कि बच्चे के साइज पर, ये दो एग्जांपल, ये सिंपल एग्जांपल जो है ये ग्रोथ की भी है, मैच्योरेशन की भी है, पर जब आप साइज पर, दूसरा वर्ड अपीयरेंस पर, हाइट पर, वेट पर, है ना, शेप पर, बोन्स पर फोकस करते हो तो वो कहलाता है ग्रोथ। इट मीन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड टू डिफाइन ग्रोथ इज अपीयरेंस और साइज। दूसरा, जब आप देखते हो कि बच्चे में जो परिवर्तन आ रहा है उसमें न्यू एबिलिटी डेवलप हो रही है, यहां वो बैठ सकता है, वहां क्रॉल कर सकता है, वहां वो स्टैंड अप हो गया, जो ये न्यू एबिलिटी है। जब आप न्यू एबिलिटी पर फोकस करते हो तो वो मैच्योरेशन है। अच्छा, कारण क्या है, जब मैच्योरेशन को देखते हैं आप, उसकी डेफिनेशन अगर अच्छी तरह से, बहुत ब्रीफ में मैंने डिफाइन की है, ये ब्रीफ में डिफाइन करने का फायदा आपको क्या है कि इनमें जो वर्ड यूज किए गए हैं मोस्टली एमसीक्यू क्वेश्चन में ये वर्ड यूज किए जाते हैं। फर्स्ट, नेचुरल है, ये मैच्योरेशन की डेफिनेशन है। ग्रोथ की सबसे पहले इसलिए की थी कि इजीएस्ट है, साइज बड़ा हो गया जी, वेट बढ़ गया जी, अपीयरेंस बड़ी हो गई। यहां पर है कि जो मैच्योरेशन क्या है, सबसे पहले नेचुरल, नेचुरल का मीनिंग बताया गया है जेनेटिक, जेनेटिक का फिर मीनिंग बताया गया है ऑटोमेटिक। इट मींस ये तीन वर्ड अगर आते हैं, नेचुरल, जेनेटिक एंड ऑटोमेटिक, तो ये सिनोनिमस होंगे लगभग। तीसरा है वर्ड बायोलॉजिकल, देन है वर्ड, पांचवा है टाइम टेबल, देन है चेंज। देखिए, छह शब्द आए हैं, छह के छह मैच्योरेशन को डिफाइन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और अपने आप में हर वर्ड एक बड़ा पॉइंट बनता है। इतना टाइम मिलेगा तो जरूर डिस्कस करेंगे। अच्छा, सातवां शब्द है अनफोल्डिंग, कोई चीज बंद पड़ी है, अनफोल्ड होगी, क्या अनफोल्ड हो गया, बच्चे की न्यू एबिलिटी अनफोल्ड हो गई, खुल गई कि वो अब बैठ सकता है। वो किसने की,
वो ऑटोमेटिकली हुई। वो किसने की? जीन्स ने की। जेनेटिक प्रोग्रामिंग हुई है कंसेप्शन के दौरान, पूरा प्रोग्राम बना है कि इतने मंथ में ये स्टैंड करेगा, इतने मंथ में ये बैठेगा, इतने मंथ में ये जो क्रॉल करेगा, है ना। ऑर्डर मैंने उल्टा बोल दिया ना, वैसे ऑर्डर वो इंक्रीजिंग होगा, ये आपको पता है। नेक्स्ट वर्ड है इन बॉडी, लेकिन बायोलॉजी भी आ गया, बॉडी भी आ गया। दीज आर नोन एज मैच्योरेशन। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ मैच्योरेशन अगर लेनी है, दो द मोस्ट कॉमन वर्ड बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की एग्जाम्पल, एक तो बच्चे की ये तीन चार पांच स्टेजेस, और दूसरा है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी को आगे चल के डिस्कस करते हैं यहां पर, एक मिनट बस, ये रहा। अच्छा पहले डिस्क्रिप्शन कर लें इसकी के ग्रोथ एंड मैच्योरेशन हो गई प्यूबर्टी के एग्जांपल, नेक्स्ट आगे जाके आपको देता हूं। वर्ड आप नोट कर सकते हैं यहां पर, फिजिकल चेंजेस अकर फ्रॉम कंसेप्शन थ्रू मैच्योरिटी। यहां पर जब मैच्योरिटी है वर्ड, तो ये भी क्लियर है कि ग्रोथ एंड मैच्योरिटी का रिलेशन बहुत नजदीकी है, मतलब कि मैच्योरिटी जब एंड होता है तो ग्रोथ का भी एंड लगभग वही होता है, उसके बाद डेवलपमेंट चलती रहती है। नेक्स्ट है, आपने लिखना है एग्जाम्पल, आप देख सकते हो यहां से ग्रोथ की, ये रही, ये बेटर है। ओके, ग्रोथ की एग्जाम्पल, क्योंकि ग्रोथ पर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्या ग्रोथ कंसेप्शन से शुरू होती है या बर्थ से शुरू होती है। सिंपल, यहां पर पोलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज व्हाई मैं पूछ नहीं रहा हूं। क्वेश्चन पूछ लूं, पॉसिबल है? चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्या ग्रोथ जो है कंसेप्शन से शुरू होती है ए, या बर्थ से शुरू होती है? कोई आंसर दो। कंसेप्शन से। कैसे? शाबाश, वेरी गुड। आंसर उसके सामने है, कंसेप्शन पर। एक सेल से हम एग सेल से डेवलप होते हैं, स्पर्म सेल मिलता है, उस वो मल्टीप्लीकेशन होती है, दो सेल बन जाते हैं, वो मल्टीप्लीकेशन होती है, चार सेल बन जाते हैं, वो मल्टीप्लीकेशन होती है, आठ सेल बन जाते हैं, मल्टीप्लीकेशन होती है, सोलह हो जाते हैं, 32 हो जाते हैं। ये देखिए मल्टीप्लीकेशन होते होते जैसे वो सेल, एक सेल से आज हम कितने बड़े हैं, 9 महीनों में ये बर्थ हो जाता है, और बच्चे का साइज, क्या कहा था कि साइज अपीयरेंस बड़ी हो गई, दैट इज वाई ग्रोथ जो है कंसेप्शन से शुरू होती है। उसके बाद ग्रोथ, ये कंसेप्शन से शुरू हो गई, उसके बाद बर्थ हो गया, अब उसका साइज जो है इंक्रीज होता जा रहा है। अगर आपको ये क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि द मोस्ट फंडामेंटल वर्ड या बेसिक वर्ड डिफाइन करने के लिए कौन सा है ग्रोथ को, तो वो साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट हाइट को मानते हैं। ये बाद में चर्चा करेंगे जब उस पर बात करेंगे। क्या क्या उदाहरण आप दे रहे हैं हमारे? अच्छा, तो ये आप यहां जो साइज या हाइट को देख रहे हो, ये डिपिक्ट कर रहा है ग्रोथ को। दूसरी बात, यहां पर वर्ड मैंने यूज किया है रिट्रोस्पेक्टिव, इसका एक मतलब क्या हुआ कि ग्रोथ, एक मिनट, ये रहा, ये ओके, रिट्रोस्पेक्टिव, इट मींस ग्रोथ जो है जब हरलॉक डेवलपमेंट को डिफाइन करता है तो प्रोग्रेसिव वर्ड करता है यूज, डेवलपमेंट को प्रोग्रेसिव, है ना। तो अब ग्रोथ को अब देख रहे हैं, कर्व कैसे बन रही है, ये देखिए यहां से नीचे आनी शुरू हो गई यहां, इसलिए मैंने रखा है वर्ड रिट्रोस्पेक्टिव, के साइज डाउन आना भी शुरू हो जाता है, लेकिन हरलॉक के अनुसार डेवलपमेंट कंटिन्यू प्रोग्रेसिव ही रहती है। लेकिन जब इसका डिफरेंस समझेंगे वो डिटेल में, लाइफ स्पैन साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं वो डिफरेंटली है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि रिट्रोस्पेक्टिव क्या है, ग्रोथ रिट्रोस्पेक्टिव हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं कि अगर आपने एग्जाम्पल ग्रोथ की देखनी है, ये मैंने एग्जाम्पल, हेलो,
हेलो सर, हाँ जी ये मतलब जो साइ जैसे बोला अभी आपने रेट्रोस्पेक्टिव है, तो उसमें क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सा यस यस शाबाश, जो वेरी गुड वेरी गुड। रेट्रोस्पेक्टिव है, हाँ मतलब वो कौन से किस जैसे ऑप्शन ए आ मतलब वो गई, कौन से स्टेज पे आ रहा है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आएगा। नहीं क्वेश्चन ऐसा आएगा कि रिट्रोस्पेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिट्रोस्पेक्टिव। तो जब अगर लर्न डेवलपमेंट आ रहा है, ए लर्नर सॉरी डेवलपमेंट एक ऑप्शन, दूसरा ग्रोथ, तीसरा बोथ आ गया, चौथा नन ऑफ दीज, तो ग्रोथ बेस्ट आंसर होगा इसमें से। ग्रोथ को आप चूज यस करो, ग्रोथ होगी। ठीक है। अब ये देखिए, ये वर्ल्ड के सबसे लंबे व्यक्ति हैं, इनका साइज है 8.3, और ये व्यक्ति शायद पता नहीं दिखाई दे भी रहे हैं कि नहीं, वर्ल्ड के सबसे छोटे हैं ये। आपस में मीटिंग हुई है इनकी, वो फोटो ली है मैंने, इनका साइज है 2.07 फुट, ठीक। तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति इससे ज्यादा अब लंबा नहीं होगा, इट मींस ग्रोथ की एक लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। दूसरी बात ये है कि मैंने 8.3 ये क्यों लिखा, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव है, नंबर में आ गई, नंबर में आ गई, और ये ऑब्जर्वेबल है। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, नंबर वाला पूछा गया है, ऑब्जर्वेबल है। कौन सा ऑब्जर्वेबल है? ग्रोथ बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेबल है, डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, डायरेक्टली वर्ड पूछा जा सकता है। नंबर तीन, क्योंकि ये नंबर में है, दैट इज वाई द मोस्टली यूज्ड टर्म इन टेट इज क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव। अब तीन वर्ड आपको दे दिए कि ग्रोथ का नंबर के साथ संबंध है, नंबर का मतलब क्वांटिटेटिव, दूसरा डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है, जैसे सबसे लंबा और सबसे छोटा व्यक्ति आप यहां देख रहे हो। अच्छा, मिडल में भी है, हम तो मिडल में ही आते हैं ना, चलो ये बात नहीं करेंगे यहाँ। नेक्स्ट, इंडिकेटर कौन से हैं ग्रोथ के? ये वर्ड आप नोट कर लेने चाहिए कि इंडिकेटर कौन से हैं, क्योंकि ये टेट में पूछे जाते हैं। हाँ, रिपीट भी हो रहे होंगे, मैंने रिपीट भी कर रहा हूं क्योंकि अभी आपको रेपिटेशन की जरूरत है। द प्रोसेस ऑफ यंग ऑर्गेनिज्म, यंग ग्रोथ, इट मींस एडोलसेंट एंड के बाद, 20 साल के बाद ग्रोथ नहीं होगी, यंग वर्ड। दूसरा ऑर्गेनिज्म फिजिकल, फिजिकल आस्पेक्ट है। दूसरा आ गया चेंजेस, कॉमन है सभी में आएगा, इंक्रीज इन साइज, ये सेंट्रल आइडिया है, इंक्रीज इन साइज, लार्जर इन अपियरेंस। नेक्स्ट फ्रेज है, चार फ्रेज या वर्ड आपको मिल गए। पांचवा हाइट, छठवां वेट, बोन साइज, शेप, डेंटिशन, दांतों का आकार और दांतों का अरेंजमेंट जो है ना, वो उसके साथ डेंटिशन वो है, ये वर्ड नहीं यूज किया अभी तक गया। ओके, तो लास्ट है मेजर्ड एंड क्वांटिटेटिव। ये रहा ग्रोथ का सारा निचोड़ आपके सामने। नेक्स्ट इसके बाद है डेंटिशन का, अगर अर्थ देखना है, मैंने ये निकाला है, दांतों का आकार और अरेंजमेंट, वो एक टाइम तक इंक्रीज होता है। आपको पता है कि दांत कैसे आते हैं, अरेंज होते हैं धीरे धीरे, जब अरेंज हो जाते हैं तो ग्रोथ एंड, अच्छा साथ में इसके मेच्योरेशन साथ में जुड़ी हुई है, यहां तक टाई हो जाती है, दैट इज वाई ग्रोथ है एंड मेच्योरेशन को मैंने साथ साथ में रखा था। यहां पर एक एग्जाम्पल कई जगह आगे आगे बताता हूँ कौन सी एग्जाम्पल वो बनती है। अच्छा नेक्स्ट है, ये रही बोन्स में, ये एग्जाम्पल है साथ में कि इंक्रीज होना है। मेच्योरेशन अब करते हैं, मेच्योरेशन में बेसिकली ये क्यों उड़ जाता है? ओके, वर्ड कौन से हैं आपने अंडरलाइन करने हैं वो जरूरी है। जेनेटिकली प्रोग्राम्ड, ये जेनेटिकली आपने पढ़ा, आपने इतना देखना है, जीन्स आ गया, जीन्स आ गया मतलब हेरिडिटी आ गई, हेरिडिटी आ गई मतलब नेचर आ गया। अब कई बार नेचर वर्ड यूज किया जाता है, कभी कई बार हेरिडिटी, और कई बार जीन्स, और कई बार जेनेटिक प्रोग्राम, इतना फर्क है। एक वर्ड आ गया मेच्योरेशन को डिफाइन करने में, पीछे बात करके आए हैं, उसके बाद है सिक्वेंशियल ऑर्डर है कि सबसे, जैसे ऑर्डर था कि बच्चा पहले बैठता है, फिर क्रॉल करता है, देन बैठ खड़ा हो जाता है ना, फिर वॉक करता है, तो सीक्वेंस है, दूसरा वर्ड हो गया। बायोलॉजिकल है पोजीशन, बायोलॉजिकल। देखिए जब ग्रोथ की बात करनी है तो फिजिकल वर्ड ज्यादा यूज होगा, फिजिकल। जब मैच्योरेशन की करनी है, फिजिकल से भी प्रेफर करना है बायोलॉजिकल, तो
क्योंकि अंदर ले, मैं बताता हूं यहाँ आगे चल के आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। तो पॉजिटिव चेंज, ये चेंज कॉमन वर्ड है, मैंने शुरू में बताया, विच गिव चिल्ड्रन न्यू एबिलिटीज। देख लीजिए ये जो शब्द हैं इनसे आप मैच्योरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन से शब्द इसको डिफाइन करने के लिए आपको चाहिए, वो है नेक्स्ट। ये रहा इस, ये जो सीटेट हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया है मैच्योरेशन का, उसका आंसर भी यही था जेनेटिकली, ये वाला फिर वही आ गया। ओके दोबारा देखते हैं, ये रहा ये डेफिनेशन, ये रही ऑटोमेटिक, है ना। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, ऑटोमेटिक, ये आंसर था उस क्वेश्चन में। जो जीन्स प्लान करते हैं ना वो ऑटोमेटिक अपने आप हो रहा है। नेक्स्ट है के बॉडी है नेचुरली अनफोल्ड, ये बात हो चुकी है। टाइम, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम। इसके लिए एग्जांपल दूंगा मैं यहां पर, ये वाली, ये देखिए। अगर टाइम टेबल बना होता है ना, चार ये ऑप्शन आती है, अगर टाइम टेबल के साथ उसको जोड़ा जाता है तो आपको मैच्योरेशन को चूज करना पड़ेगा। कारण क्या है, ये देखिए न्यू बॉर्न, ठीक है, ये एक मंथ का हो गया बेबी, ये दो मंथ का है, ये हो गया चार का और ये सेवन का। अब नेचर ने क्या किया है, इसके टाइम टेबल शेड्यूल बना रखा है कि जीन्स ने ये फिक्स किया है कि कितने महीने बाद ये बच्चा इस पोजीशन में होगा, कितने महीने बाद ये विद सपोर्ट बैठ सकता है और कितने महीने बाद ऐसा होगा। हाँ मैंने कहा था 100% हेरिडिटी या जीन्स नहीं हो गए, जीन्स है ना, लेकिन जब अगर अगर इस बच्चे को न्यूट्रिशंस डाइट अच्छी नहीं मिलती तो ये टाइम टेबल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। इट मींस एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट इस टाइम टेबल को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगा। फॉर एग्जांपल दो महीने में ये होना था अगर ठीक डाइट मिल रही है, लेकिन यही काम होगा तीन महीने में अगर डाइट पुअर मिल रही है, लेकिन होगा उसी ऑर्डर में होगा। अगर ये चार महीने में होना था ये पोजीशन, ये हो गई पांच महीने में अगर पुअर डाइट है, ये सात महीने में बैठना था ये आठ महीने में बैठ रहा, ये एग्जाम्पल के साथ चल रहे हैं। तो जो एनवायरमेंट है इसकी टाइम मैच्योरेशन की टाइमिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन डोमिनेट हेरिडिटी जीन्स ही करेंगे क्योंकि सीक्वेंस और टाइम टेबल जो है वो बना रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं कॉमन। हाँ जी सर, ये प्री मैच्योर बेबीज में भी देखा जाता है ना, क्या ये जो मतलब आपने बताया भी कि जो उन्होंने एक टाइम टेबल बना होता है जो उन्होंने दो महीने का, हाँ, वो वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए वहां पर एनवायरमेंट क्या था, जो मदर परसीव कर रही है, मदर क्या, मदर खाना खा रही है, मदर टेंशन ले रही है, मान लीजिए टेंशन में ज्यादा है, इमोशनल स्टेट बैड हो गई, दैट इज वाई ऐसे बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं कि डिलीवरी जो है प्री मेच्योर हो जाती है। तो वहां पर कॉज जो है, वैसे इसको लंबा खींचा जा सकता है, यहां बात नहीं करूंगा। जब हमारी लड़कियां एक बेबी को जन्म देने के लिए तैयार नहीं है, इट मींस अभी तक वो नेगेटिव पुअर डाइट पिज्जा बर्गर ऐसा ही खा रही हैं, तो नेचुरली है कि प्री मच्योर बेबी होगा। वहां मदर पर एनवायरमेंट का असर था, कंसीव करने के बाद भी अल्कोहल का रिसर्च कह रही है कि सीधा असर है, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वहां पर भी एनवायरमेंट जो है, जो प्री मेच्योर बर्थ है, प्री मेच्योर का बर्थ का मतलब है 9 मंथ से 8 मंथ से वैसे पहले जो डिलीवरी हो जाना है, फिर उस बच्चे को इनक्यूबेशन में रखा जाता है। इनक्यूबेशन जैसे एक मुर्गी अंडा देने के लिए ऐसे बैठ जाती है, उनको एक हीट अप और ऑक्सीजन लेवल मिलता है, वैसे ही जो 9 मंथ के पीरियड में होता है। तो वो एक मशीन तैयार की गई साइंटिस्ट के द्वारा, पहले बच्चे की डेथ हो गई थी, वैसे ये बातें नहीं अभी करूंगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया था, दैट इज वाई वो एकदम वैसी स्टेट बनाई जाती है जिसको इनक्यूबेशन बोला जाता है, है जो गर्भ के अंदर होता है उसी को स्टेज को 9 महीने तक बाहर रखा जाता है। आपका आंसर बिल्कुल, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन में कॉमन क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमन क्या है, ये यार ये बहुत, ये क्यों डिस्टर्ब होता है पता नहीं। ओके ये रहा फर्स्ट है, दोनों में सेक्सुअल कॉमननेस क्या है, स्केलेटन कॉमननेस,
मॉर्फोलॉजिकल, ये भी साइज शेप से है, आगे चल के बताता हूं। डेंटल, दांतों का डेंटल मैच्योरिटी। ओके, नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस पिचुरी एंड ऑर्गन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है कि ग्रोथ को कौन इन्फ्लुएंस करता है, आंसर था हाइपोथैलेमस। यहां पर है कि मैच्योरेशन को भी, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को भी हाइपोथैलेमस इफेक्ट करती है। ये ब्रेन का पार्ट, इसका सेंट्रल पार्ट, ये लिखा है हाइपोथैलेमस। इसको कोई कलर दूसरा ले लेता हूं, ये रहा हाइपोथैलेमस, और ये कहां पर है, ये ब्रेन का सेंटर, ये वाला, और ये पिचुरी ग्लैंड है जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये मिलके किसको इफेक्ट कर रहे हैं, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि ये कैसे बन रहे हैं दोनों। उसका फर्स्ट हमारा आस्पेक्ट था सेक्सुअल। अच्छा, सेक्सुअल में आगे चलते हैं। सेक्सुअल में एक मिनट, सेक्सुअल में सेक्सुअल की एग्जाम्पल जो है ग्रोथ की भी दी जा सकती है और मैच्योरेशन की भी दी जा सकती है, प्रोवाइडेड आप फोकस, आपने को क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है। अगर तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि साइज इंक्रीज हो रहा है कोई भी, है ना, तो फिर आप ग्रोथ की बात कर रहे हो। अगर ये बात हो रही है कि उसकी फंक्शनिंग या न्यू एबिलिटी डेवलप हो रही है तो मैच्योरेशन है, इतनी बात है। ये पढ़ लीजिए, प्यूबर्टी क्या है, प्यूबर्टी पीरियड, जब हम एडोलसेंट वो डेवलपमेंट की स्टेजेस पढ़ेंगे उस पर स्पेशल क्लास लगेगी। यहां पर है फिजिकल एंड हार्मोनल चेंज, हार्मोनल चेंज को अंडरलाइन कर लो भाई। दूसरा है ट्रांजिशन पीरियड, कहां से अडल्टहुड के लिए तैयारी हो रही है, दो बातें होगी। यहां पर जिसकी बात करनी है वो है प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, के 10, 11, 12, 13, 14 लड़कियां पहले और लड़के थोड़े से डिले में प्यूबर्टी पीरियड से गुजर के जाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेक्स हार्मोन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मैच्योरिंग इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, है ना, टेस्टिस इन मेल। देखिए ये बातें हमारे क्लासरूम में नहीं की जाती। जब मुझे भी नाइन्थ क्लास में एड्स का चैप्टर आया था तो टीचर ने छुड़वा दिया नहीं करना, लेकिन ये देखे कि आज छोटे बच्चे के भी पास सेक्सुअल वो सीन नहीं देखता। हम यहाँ नॉलेज की बात कर रहे हैं तो हमें मैच्योरिटी से सब कुछ समझना ही पड़ेगा, वो पर्टिकुलर जिनके कंसेप्ट नहीं क्लियर। टेस्टिस इन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये, और ओवरीज इन फीमेल, वो मैच्योरिटी की एग्जाम्पल कैसे है ये देखिए, ये ध्यान से देखना कि टेस्टिस हैं, ये स्पर्म को रिलीज कर रहे हैं, रिलीज करने के बाद ये फंक्शनिंग है, जब ये फंक्शनिंग ऑनसेट होती है, स्टार्ट हो जाती है, वो 12 साल में, 13 साल में, 11 साल में हो जाती है। ये कोई भी एनवायरनमेंट नहीं कर सकता, एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस होता है। जब हम सेक्सुअल और डाइट ऐसी लेते हैं, ये थोड़ा सा टाइम पहले हो सकता था जो पीछे बात करके आया हूं, लेकिन ये सेक्स हार्मोन और ग्लैंड्स का हार्मोन को रिलीज करने की फंक्शनिंग की स्टार्टिंग जो है वो ऑटोमेटिकली शुरू होती है एक पीरियड को। दैट इज वाई सेकेंड मेजर एग्जाम्पल ऑफ मैच्योरेशन इज सेक्सुअल मैच्योरिटी और सेक्स हार्मोन का रिलीज होना। लड़कियों में ओवरीज बात हो चुकी है, ओवरीज का काम मेन क्या होता है, एग को रिलीज करना और जो मेंसेस पीरियड शुरू होते हैं, है ना, यहां पर भी इसको बड़ा करके फर्स्ट ये प्रोसेस और उसके बाद ये ओवरी है, ये एग रिलीज करती है। देखिए कुदरत ने, ये एग रिलीज हुआ और ये ट्यूब के जरिए एक खास यहां तक पहुंच जाता है, उसके बाद अगर इसको स्पर्म मिल जाते हैं तो कंसेप्शन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। एक सेल जो रिलीज हुआ उससे हम मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ, और जब ये सेक्सुअल फीमेल में फंक्शनिंग शुरू स्टार्ट होती है, ये प्यूबर्टी का सेंट्रल है और सेक्सुअल मैच्योरिटी की, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी की ये बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है यहां से फिर ये हो गया, नेक्स्ट है हमारा ये रहा, ओके
स्केल्टन की अगर आती है साइज पर आप जाते हो, स्केल्टन बड़ा हो गया तो ग्रोथ, अदरवाइज मैच्योरिटी जो उनका पक्का हो जाना है ना। मॉर्फोलॉजी शब्द आया था, उसके मीनिंग है कि मॉर्फोलॉजी अगर ऑप्शन आती है तो भी उसका संबंध अपीयरेंस, शेप, स्ट्रक्चर, कलर, पैटर्न, ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। इंटरनल मॉर्फोलॉजी क्या है कि बोन्स एंड ऑर्गन्स इंटर बॉडी के अंदर हैं जो। नेक्स्ट है, अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये था ग्रोथ एंड मैच्योरेशन का। टाइम कितना हो गया? ओके, हम लेट हो रहे हैं, थोड़ा जल्दी चलेंगे, लर्निंग को जल्दी से खत्म करूंगा। लर्निंग का क्या है, लर्निंग नीचे वाले पोर्शन में था, अब क्या था, दो पोर्शन में जो वो बातें हुई जो इसमें हेरिडिटी डोमिनेट कर रही थी, अब एनवायरमेंट डोमिनेट करेगा। मेन वर्ड जो है लर्निंग को डिफाइन करने के लिए कौन सा है, ये रहा एक्सपीरियंस, ये गड़बड़, ये आप एक मिनट में वीडियो देखिए, यहां से चलेगा, ये अब एक बच्चा है, ठीक, लर्नर हो गया, दूसरा स्टोन्स हैं छोटे छोटे वो उठा रहा है, ये स्टोन्स क्या है, एनवायरमेंट है, और बच्चा लर्नर है, और ये इसका एक्सपीरियंस है कि उसको पकड़ के एक जो कंटेनर है उसमें डाल रहा है। यहां पर ये करने की प्रक्रिया को क्या हम कह सकते हैं, ये वापस चलता हूं, ओके, ये स्टोन्स थे, इसके साथ ये इंटरेक्ट कर रहा है ना, इसमें डाल रहा है, तो ये जब इंटरेक्ट कर रहा है इसको बोलेंगे एक्सपीरियंस। लर्निंग को डिफाइन करना है, विदाउट एक्सपीरियंस आप नहीं कर सकते। अगर कहीं भी किसी ऑप्शन में एक्सपीरियंस वर्ड आता है तो चार में से आपको लर्निंग को सबसे ज्यादा, जितने भी साइकोलॉजिस्ट ने लर्निंग को डिफाइन किया है विदाउट एक्सपीरियंस नहीं किया, बेशक वो बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट हो, कॉग्निटिविस्ट हो, या कंस्ट्रक्टिविस्ट हो, एक्सपीरियंस के बिना नहीं। दैट इज वाई सेंट्रल आइडिया इज एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस एजुकेशन ने क्या करना है, देखिए ये एक्सपीरियंस से नेगेटिव भी चेंज आ सकते हैं, ये बार बार मैं बताऊंगा, पॉजिटिव भी आ सकते हैं, एजुकेशन ने पॉजिटिव को चूज करना है। आपने टीईटी में क्वेश्चन के आंसर वो चूज करने हैं जो पॉजिटिव लर्निंग की तरफ लेके जाते हैं। दिस इज सेंट्रल आइडिया ऑफ पेडागोजी, जिसकी अलग से क्लास लगेगी। अच्छा ये फिर गायब हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है हमारा, ये लर्निंग हो गई, एनवायरमेंट हो गया, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ये रही रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन पर्संस एनी डोमेन। ये देखिए अब डोमेन का उत्तर आ गया है कि डोमेन कौन सी होगी, एनी डोमेन। एनी डोमेन का मतलब है कि वो फिजिकल चेंज आए एक्सपीरियंस से, सोशल स्किल में चेंज आए, ओके, इमोशन में आए, जहां थिंकिंग में आए, ये डोमेन थी ना, मॉरल में आए, किसी भी डोमेन में आ सकता है। पर ये बात ऑप्शन क्या याद रखनी है, जब लर्निंग की बात होती है तो नॉलेज जहां कॉग्निटिव, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन कॉग्निटिव पर ही बन सकते हैं। थिंकिंग की बात आती है तो कॉग्निटिव है, रीजनिंग की बात आती है तो कॉग्निटिव है, नॉलेज की बात आती है तो कॉग्निटिव है। इतने में मैंने आपको तीन चार क्वेश्चन बता दिए जो आसानी से बन सकते हैं। एक तो हो गया ये रिलेटिवली, यहां पर लिखा गलत है, ये रहा, ये उड़ कैसे जाएगा यार। दूसरी बात है कि रिलेटिवली परमानेंट, ये आगे चल के बात करते हैं, डोमेन की बात हो गई, नॉलेज की बात हो गई, नॉलेज या बिहेवियर में चेंज, ये डोमेन ही है, नॉलेज डोमेन है कॉग्निटिव, और बिहेवियर डोमेन है फिजिकल वाली जो दिखाई देती है ड्यू टू एक्सपीरियंस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बात है। इंटरेक्शन हमने देख लिया है, नेक्स्ट और वीडियो है लेकिन टाइम कम, मैं नहीं दिखाऊंगा, आगे चल के देखेंगे। लर्निंग के तीन फंडामेंटल कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी लर्निंग के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, कम से कम 100-200 क्वेश्चन इसी में से बन सकते हैं। यहां पर हमने क्या करना है, ड्यूरेशन अगर चेंज, नेक्स्ट आगे चल के क्वेश्चन भी इससे बनना है, अगर तो जो चेंज आया है, फॉर एग्जाम्पल आज आपने कुछ राइट करना लर्न किया है ना,
कल, लेकिन वो राइट नहीं कर सके. इट मीन्स ड्यूरेशन जो थी चेंज की, चेंज ही है ना मेन वर्ड शुरू में लेके चले थे कि सभी चार टर्म्स में चेंज इज इंपॉर्टेंट. तो ड्यूरेशन जो है रिलेटिवली लॉन्ग होगी, एक बात. दूसरा, लोकस ऑफ चेंज, वो चेंज किस पर फोकस करेगा? डोमेन्स की अभी बात की है, मोस्टली उसमें नॉलेज, थिंकिंग, मेमोरी, बिहेवियर, ये वर्ड यूज किए जाते हैं. कॉज ऑफ चेंज, दैट इज, वो भी बात की है कि एक्सपीरियंस होगा. ये तीन बातें रिलेटिवली याद रखनी है. कॉज ऑफ एक्सपीरियंस में बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कॉज मान लीजिए बिहेवियर में चेंज आया आपके बिहेवियर में, कि मैंने कोई ड्रग्स ले लिया है ना, अल्कोहल ले लिया, तो मैं ऐसे लड़खड़ा के चलूंगा, अब बिहेवियर में चेंज आ गया ना, बिहेवियर में चेंज आ गया ना, तो ये चेंज लर्निंग है या नहीं है, ये सोचना है. ये चेंज लर्निंग है या नहीं है, ये लर्निंग अगर कल जब उतर गई तो बिहेवियर फिर नॉर्मल हो गया. इट मींस ये टेम्परेरी चेंज था. ऐसे आप थक गए हो तो एक दिन बिहेवियर में चेंज आया, लेकिन जब फ्रेश हो गए फिर आप सेम हो गए. तो ऐसे चेंज जो एक्सपीरियंस के बिना है वो लर्निंग में शामिल नहीं है. ये फंडामेंटल नोट करने की बात है. नेक्स्ट चलते हैं डेवलपमेंट में. डेवलपमेंट जो हरलॉक की डेफिनेशन ये बेस्ट गिनी जाती है. हरलॉक की डेफिनेशन बेस्ट मानी जाती है. फर्स्ट वर्ड है प्रोग्रेसिव, इट मींस पॉजिटिव चेंज ऐसे ही आएंगे, आते जाएंगे. याद रखना, जब लाइफ स्पैन साइकोलॉजिस्ट की बात करूंगा तो वो कहेंगे प्रोग्रेसिव नहीं, कई डायमेंशन में डाउन भी हम जाते हैं. दूसरा है सीरीज है, ये है ना स्टेप बाय स्टेप चेंजेस की बात है. ऑर्डर में है. ये अंडरलाइन क्यों कर रहा हूं, यही बाद में प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट बन जाएंगे. प्रेडिक्टेबल है डेवलपमेंट, ये भी प्रिंसिपल है. पैटर्न स्पेसिफिक फॉलो करते हैं, ठीक है. एज ए रिजल्ट ऑफ, देखिए एक्सपीरियंस के कारण लर्निंग थी. अब लर्निंग को एनहांस किसने, दूसरे फैक्टर ने किया, मैच्योरेशन ने, है ना. एक बात बता दूं, जब बच्चा ऐसे लेटा रहता है मान लीजिए, है ना, तो वो ज्यादा मूव नहीं कर सकता ना. जब वो वॉक करने लगा है तो वॉक करने लगा है, इधर गया उधर गया, इस ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को, जो मैच्योरिटी थी वो बढ़ गई, मूवमेंट बढ़ गई, और उसके कारण एनवायरमेंट से पंगे लेने बढ़ गए, उसके कारण वो उस ऑब्जेक्ट की नॉलेज अंदर जा रही है. दैट इज वाई मैच्योरेशन जैसे जैसे बढ़ती है लर्निंग को वो फैसिलिटेट करती है, ये बात कहना चाहता हूं. तो अब ये तीनों बातें हैं, एक्सपीरियंस से हुई लर्निंग एक बात, और मैच्योरेशन ने भी किया फैसिलिटेट लर्निंग को. अब ये मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, लर्निंग तीनों मिलके डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं. एक क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या एक मिनट में लर्निंग हो सकती है. दूसरा क्वेश्चन है, क्या एक मिनट में डेवलपमेंट हो सकती है. अगर आपको डेवलपमेंट और लर्निंग की कंफ्यूजन हो रही है, आंसर मिल जाएगा कि एक सेकेंड में लर्निंग हो सकती है. अगर ये एक क्वेश्चन पूछना है, इनसे पूछना अभी, ये आप आंसर दो के वेरी इजी आंसर ए, कि एक सेकंड में लर्निंग हो सकती है, यस, बी, नो, यस नो टाइप है. जल्दी से बोलो, जल्दी से, यस नो, जल्दी ए या बी को चूज करना है. ए का मतलब है यस, एक सेकंड में लर्निंग हो सकती है, बी के लर्निंग एक सेकंड में नहीं हो सकती. जल्दी से नो वाले सी क्यों चूज कर रहे हो, सी तो मैंने ऑप्शन ही नहीं दी. ये कौन है, बी, ओके बी. जो अब मैं देखना कुछ एक्सप्लेन करता हूं, आप फिर से आंसर देना इसको. कितने हैं इनमें से, 70% ने यस कहा है और बाकी ने जो है नो या सी को ऑप्ट किया है. अब मैं कहने रहा हूं, आपको कभी ऐसा हुआ है, आप कुछ सोच रहे हो, एकदम से आइडिया आया और उस आइडिया को अप्लाई कर दिया, ऐसे कभी हुआ है? yes, अगर ऐसे हुआ था, है ना, yes. तो आप अब दोबारा इसका आंसर दो कि एक सेकंड में लर्निंग, एक सेकंड से कम में भी, एक ऐसा विचार, जितनी इन्वेंशंस हुई हैं, देखिए कि सेब यहां पर गिरा और आइडिया चेंज हो गया, है ना. तो अब दोबारा जवाब दीजिए,
100% कह रहे हैं कि यस हो सकती है। देखिए अभी मैंने एक एक्सरसाइज कराई, पहले 30% लोग कह रहे थे कि नहीं है, अब 30% को एग्जाम्पल दी तो उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, दैट इज वाई इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस चाहिए। तो ये चेंज, ये तो बहुत इजी एग्जाम्पल थी ना, थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊंगा। तो एक सेकेंड में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका जवाब लीजिए। एक सेकेंड में लर्निंग हो सकती है, अब ये बताओ एक सेकेंड में डेवलपमेंट हो सकती है? अगर डेवलपमेंट नहीं याद तो आपकी फेमस पर्सनालिटी को याद कर लो, वो हाईली डेवलप्ड है। मैं कलाम साहब की एग्जांपल दूंगा आगे चलते। अब ये बताओ आंसर यस के हो सकती है, एक सेकंड में डेवलपमेंट हो सकती है, दूसरा के नहीं हो सकती। यस अभी भी कितने हैं आपका? ओके 50 दे रहे हैं, दे रहे हैं जवाब। जल्दी 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 जल्दी, एक सेकंड में डेवलपमेंट हो सकती है। देखना आप कह रहे हो कि यस वाले कह रहे हैं, यस वाले हैं लगभग 50% कह रहे हैं हो सकती है, लगभग 50% कहते हैं नहीं हो सकती। मैं दोबारा कह रहा हूं, तो सोच लेना। क्या आप एक बड़ी जल्दी अमिताभ बच्चन जैसे बन सकते हो, लता मंगेशकर जैसे बन सकते हो, कलाम साहब जैसे बन सकते हो? कि आपको नो कितनी नो सर, सीरीज से, कितने एक्सपीरियंस से गुजर के जाके, दुख सुख देख के, अपने आप में चेंज एडजस्टमेंट, कितना कुछ उसके बाद हो गए। अब अपना जवाब देखो, हो सकती है कि नहीं? सभी का नो हो गया। वेरी गुड आशीर्वाद, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। तो लर्निंग जो है एक्सपीरियंस के साथ बड़ी स्पेसिफिक है, ये हुआ बात। अभी तक मैं ट्रांसमिशन कर रहा था, जल्दी जल्दी नॉलेज दे रहा था, लेकिन जो बेटर मेथड सेकेंड वाला है वो टाइम कंज्यूमिंग वाला है। तो एक्सपीरियंस के साथ, लर्निंग के साथ, हर लर्निंग भी 1 मिनट 1 सेकंड में नहीं होती जनरली, जब लर्निंग, मोस्टली लर्निंग जो है बहुत टाइम लेती है ना, तो कई 1 सेकंड में भी पॉसिबल है, ये बात थी। अब लर्निंग एक्सपीरियंस रोज हो रहे हैं, मैच्योरेशन है, ये सारा आपको कॉग्निटिव अफेक्टिव मॉरल सोशल सभी डोमेन्स में पॉजिटिव चेंज की तरफ लेके जा रहे हैं, उसको वो कहेंगे। ये वर्ड नोट करने होंगे हर हालत में आपको, क्योंकि ये पूछे जाएंगे, तो उसको कहेंगे। हम इसकी बात करें नहीं, क्वेश्चन करने हैं, आगे चलते हैं। डेवलपमेंट पर अब ज्यादा जोर नहीं देंगे, क्योंकि डेवलपमेंट चलती रहनी है। चेंज इन ऑर्गेनिज्म एज होल, नेक्स्ट वर्ड नोट कर लो, होल। ये पता नहीं टिकेगा कि नहीं, अगर टिक गया तो लिख देता हूँ ये। यार प्रॉब्लम पता नहीं क्या हो रही है, ये नोट वाला कर लेते हैं। ओके ओके ये रहा होल। ओके सिस्टेमैटिक इंपॉर्टेंट चेंजेस कॉमन वर्ड लीड टू इंडिविजुअल फ्रॉम डिपेंडेंसी, नहीं आप इंडिपेंडेंट बनते रहते हो। कलाम साहब आप पर डिपेंड कर रहे हैं या नहीं? हाँ सेल्फ डिपेंडेंट है ना, 100% सेल्फ डिपेंडेंट कोई नहीं होता। अगर वो चाहिए तो अपने, जिनको आप माथा टेकते हो घर में, अच्छी तस्वीरें लगा रखी हैं, वो 100% हो सकते हैं। उनमें आते हैं श्री राम, कृष्णा, गुरु नानक, बुद्ध, है ना, ये पर्सनैलिटीज, इनको कह सकते हैं, लेकिन आप उनको भी 100% नहीं रहने दोगे, उनकी बात नहीं करेंगे। अच्छा थ्रू लाइफ टाइम। ओके नेक्स्ट वॉर्म टू टॉम, ये शब्द बहुत बार, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। वॉर्म मीन कंसेप्शन, 9 मंथ का पीरियड, टॉम कब्र जब डेथ हो गई, ये बात पहले भी करके आए हैं। ओके नेक्स्ट है हमारा, ये हो गए ग्रो, एक वर्ड और ऐड कर लीजिए, स्ट्रक्चरल चेंज ग्रोथ के लिए यूज हो रहा है ना। तो जो स्ट्रक्चरल हो गया क्वांटिटेटिव, और डेवलपमेंट के लिए क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव दोनों यूज होते हैं। जब डिफरेंस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इन डेप्थ में विद क्वेश्चन, फिर ये बात करेंगे। यहां पर चलते हैं, अब ये कंक्लूड करने लगा हूं कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट की बात थी। हेरिडिटी मैच्योरेशन के लिए कितनी डोमिनेट करती है, यहां पर मैं बड़ा एच लिखने लगा हूं, जिसका मतलब है कि जब मैच्योरेशन है तो हेरिडिटी डोमिनेट करती है। देखिए मैंने 100% कहीं नहीं कहा,
मैंने ये कहा है कि मैच्योरेशन को भी एनवायरमेंट टाइम को इन्फ्लुएंस कर सकता था, 4 महीने में जो खड़ा होना था बैठना था वो 5 महीने में हुआ, ये बात की थी। और यहां पर एनवायरमेंट छोटा सा लिख रहा हूं, यहां एनवायरमेंट छोटा सा लिख रहा हूं, यहां ग्रोथ आई, ग्रोथ में एच थोड़ा सा छोटा हो गया, ई थोड़ा सा बड़ा हो गया, है ना। यहां लर्निंग, ये आप इक्वल भी कर सकते हैं, जहां ई को बड़ा भी कर सकते हैं, यहां पर ई बड़ी है, इट मींस पॉजिटिव चेंज आप अच्छा एनवायरमेंट देके ला सकते हो, यही एजुकेशन का काम था, यही ऑप्शन आपने चूज करनी है। डेवलपमेंट ये भी हेरिडिटी भी है, ई इसको और बड़ी कर लो, है ना। पर डेवलपमेंट सबसे बड़ा क्यों है, क्योंकि ये सारे ही इसमें शामिल है, डेवलपमेंट में ये सेंट्रल है। यहां तक ये खत्म हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने लगा हूं, आपने जल्दी जल्दी जवाब देने हैं। जवाब फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिखाई दे रहा है, चेंजेस इन प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इज एग्जांपल ऑफ, अब क्वेश्चन वही होंगे जो मैं पढ़ के आए हैं, दैट इज व्हाई ये मॉड्यूल बनाए हैं, फर्स्ट में एग्जाम्पल फिर एक्सप्लेनेशन देन टेस्टिंग, दिस इज टेस्टिंग। ग्रोथ है प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, मेच्योरेशन है या लर्निंग है, जल्दी से ए बी सी डी आंसर आ रहे हैं। प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जांपल दे रहा हूं, जो ओवरीज में और टेस्टिस में सेक्सुअल हार्मोन प्रोड्यूस करने में, है ना, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलप होना, ये है ए। जल्दी 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 जल्दी, इतना टाइम नहीं देना मैंने ओके जब वीडियो को दोबारा देखोगे। अच्छा ये आ रहे हैं 31% कह रहे हैं ग्रोथ, नेक्स्ट है कह रहे 33, ये हैं 33, ये हैं। अच्छा ग्रोथ क्यों सोचा, यहां पर प्रोडक्टिव ऑर्गन के लार्ज होने की बात कही गई है, मैंने बात की जहां उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, तो उनकी फंक्शनिंग स्टार्ट होने की बात है। तो आप जब मैंने एग्जांपल भी ये दी, तो आप अब किसकी तरफ जाओगे, इसमें क्या कोई एक्सपीरियंस से किसी, क्या वो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हार्मोन रिलीज होने हैं किसी एक्सपीरियंस से हो रहे हैं, ये देखना है, ये फिर करना। अब दोबारा सोचो कि वो प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आए हैं तो बेस्ट क्या होगा, बेस्ट आंसर क्या होगा, शाबाश मैच्योरेशन, ठीक है। जिन्होंने ये सोचा है वो अगर लार्ज होने की बात हो रही है कि सेक्सुअल ऑर्गन एनलार्ज हो रहे हैं तो ये आंसर ठीक हो सकता था। लर्निंग किसी ने नहीं है, शाबाश ये वेरी गुड, ये आपकी लर्निंग होगी, इट मींस कोई एक्सपीरियंस नहीं, ऑटोमेटिक चेंज है ना। कुछ एक दो जनों ने ये चूज किया है डेवलपमेंट, नो, डेवलपमेंट होलिस्टिक है, वाइडर है, बहुत बड़ी है, ये सिर्फ बात हो रही है कि सेक्स हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, बड़ी स्पेसिफिक बात है। नेक्स्ट, चेंजेस इन लर्नर विदाउट एक्सपीरियंस, इसको अंडरलाइन कर लो, जब भी ये देखना है तो आप अंडरलाइन जरूर करो कि विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट एक्सपीरियंस, अब आप अच्छा सोच पाओगे, विदाउट एक्सपीरियंस कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी डी, चेंजेस इन लर्नर विदाउट एक्सपीरियंस, पढ़ रहे हैं अच्छा शाबाश शाबाश, जल्दी 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 जल्दी, अब आपने अब दोबारा सोचना, ए को सबसे ज्यादा यूज किया है विदाउट एक्सपीरियंस, और फोर्थ ऑप्शन, हम अब लर्निंग आपकी को करेक्ट करने लगे हैं। देखिए लर्निंग को अक्कर होने के लिए बच्चा स्टोन से इंटरेक्ट कर रहा था, ये बच्चा ये स्टोन इंटरेक्शन कर रहा है ना, तो ये एक्सपीरियंस हो गया उसका, इंटरेक्शन करना उसके साथ एक्सपीरियंस है, उसके बिना तो लर्निंग हो ही नहीं सकती, विद एक्सपीरियंस होता तो लर्निंग होना था ना, यस सर, विद एक्सपीरियंस, ये विदाउट एक्सपीरियंस है। अच्छा लर्निंग और डेवलपमेंट की भी बात अभी करके आए हैं कि ये भी हेरिडिटी प्लस एक्सपीरियंस इसमें ज्यादा है,
एजुकेशन का एम क्या है? ऑलराउंड डेवलपमेंट, यही कहते हैं ना, इसको डेवलप कर दो, डेवलप तो वो एनवायरमेंट देना है, तो ये ऑप्शन सबसे पहले डिलीट होनी चाहिए आपकी। ओके, अब ग्रोथ एंड मैच्योरेशन है, ये मैंने कहा था। हाँ जी सर, ग्रोथ आएगा। दोबारा से सोचो अब, फिर ग्रोथ या मैच्योरेशन, इसमें से चूज करो। ज्यादा बड़ी एच किस पर थी? ग्रोथ। ग्रोथ, यस सर। मैंने बड़ी एच किस पर बनाई थी? बड़ी एच। और छोटी एच, एच बड़ी किस पर थी? ग्रोथ। ग्रोथ पर? रॉन्ग आंसर, मैंने इजी क्वेश्चन बनाए थे। मैच्योरेशन, मैच्योरेशन को सिर्फ सिर्फ टाइम पीरियड जो 4 महीने में होना था, पुअर डाइट है, 5 महीने में हो गया, सिर्फ इतना फर्क पड़ा, सिर्फ इतना फर्क। लेकिन होगा वो, जीन्स ने इतनी प्रोग्रामिंग हार्ड की हुई है कि वैसे ही ऑर्डर होगा, है ना। अब 11, 12, 13 साल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फंक्शनिंग स्टार्ट शुरू कर देंगे, कर देंगे मतलब ये ऑलरेडी प्लानिंग हुई है, नेचर ने की हुई है, जीन्स ने की हुई है। दैट इज वाई इस प्लानिंग को चेंज नहीं कर सकते। अगर ये मैच्योरेशन नहीं है ऑप्शन तो ग्रोथ होगा। मोस्टली ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन मैच्योरेशन नहीं है तो ग्रोथ को चूज करोगे। अब मैं इसका ऑर्डर बनाता हूं। सबसे ज्यादा जो है विदाउट एक्सपीरियंस है, नंबर 1 पर मैच्योरेशन, दूसरे नंबर पर है ग्रोथ, तीसरे नंबर पर लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ये इक्वली चल रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, जो ग्रोथ है वो भी तो सिर्फ हेरिडिटरी पे डिपेंड नहीं करेगा। शाबाश बेटा शाबाश, जिसने क्वेश्चन पूछा, वेरी गुड। लेकिन डिग्री का फर्क है, यही तो क्वेश्चन था कि क्वेश्चन क्या था, बेस्ट आंसर क्वेश्चन था, राइट आंसर क्वेश्चन नहीं था। बेस्ट आंसर क्वेश्चन में 2 या 3 राइट ऑप्शन हो सकती है, आपने बेस्ट को चूज करना है। लेकिन मैच्योरेशन ज्यादा हेरिडिटी, बड़ा एच लिखा था ना, यही तो लर्निंग करवानी है। मैच्योरेशन लार्जली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक प्रोग्राम, जब डेफिनेशन भी की थी, ग्रोथ भी करती है। लेकिन ग्रोथ अगर यहां माल न्यूट्रिशन की आपको एग्जांपल दूं, एक मिनट यहां पर ये देखो ये बच्चों को एनवायरमेंट इतना पुअर मिला, हालत देख रहे हो आप, देख रहे हो ये एनवायरमेंट ने कितना इफेक्ट कर दिया। मैच्योरेशन को इतना इफेक्ट नहीं कर सकता, ये बात कहना चाहता हूं। अब ये बच्चा कितनी तेज दौड़ सकता है, चल सकता है, ये तो सरवाइव भी नहीं करेगा, एनवायरमेंट ने कितना इफेक्ट कर दिया। इसका साइज जितना बड़ा होना था क्या उतना बड़ा हो जाएगा? ये तो अबनॉर्मल हो, मतलब डिजीज से पीड़ित है। दैट इज वाई डिग्री का फर्क है। इसको अंडरलाइन करना है कि फर्स्ट रैंक पर मैच्योरेशन, बायोलॉजिकल पर, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, नॉट सोशल, नॉट स्पिरिचुअल, नॉट अदर मैच्योरेशन, सबसे ज्यादा हेरिडिटी, जीन्स इसको प्रभावित करते हैं, दूसरे नंबर पर ग्रोथ आता है। ठीक है, तो ये बातें जो डिफरेंस की है वो करनी थी। वापस चलते हैं, यहां से कहां जाना है भाई, ये रही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडिपेंडेंट, इनमें से कौन सा पर्यावरण से स्वतंत्र है, एनवायरमेंट से स्वतंत्र है, बट इट्स टाइमिंग कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर। अगर नहीं समझ आई तो हिंदी में रीड कीजिए, यस, रीड करके आंसर दीजिए कि एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं है लेकिन सिर्फ टाइमिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। यस, आपका ए बी सी डी में से ज्यादा एनवायरमेंट से स्वतंत्र कौन है? ये उसका उल्टा हो गया कि सबसे ज्यादा हेरिडिटी पर कौन निर्भर करता है, सबसे ज्यादा हेरिडिटी पर कौन निर्भर करता है, सबसे ज्यादा आ रहे हैं मैच्योरेशन। देखिए वही बात को उल्टा कर दिया कि सबसे ज्यादा एच अगर बड़ा है तो सबसे छोटा ई, मतलब एनवायरमेंट का कम असर है। तो यहां पर क्या है कि एनवायरमेंट से इंडिपेंडेंट कौन है, मैच्योरेशन। हाँ थोड़ा सा इफेक्ट है, वो क्या है कि बच्चा इस एज में बैठ सकता है, मान लीजिए 5 महीने में, 4 महीने में बैठ सकता है, और इस एज में खड़ा हो सकता है, मान लीजिए 7th मंथ में, यही एज होती है वैसे, तो टाइमिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है।
यही बात कहनी थी, वो मैच्योरेशन है. राइट आंसर इज मैच्योरेशन. ओके, नेक्स्ट इज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट इज ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, लर्निंग. सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव क्या है? यस, आंसर दीजिए. नेक्स्ट है, अब आंसर, सबसे ज्यादा व्यापक कौन है? ये यहां पर व्यापक लिखा है ना, बड़ा कौन है, होलिस्टिक कौन है, ये क्वेश्चन. ग्रोथ है या डेवलपमेंट है, दो चूज कर रहे हैं, ये नहीं चूज किया. शाबाश, वेरी गुड. अब किसी ने भी मैच्योरेशन और लर्निंग नहीं चूज किया. क्यों? क्योंकि ये हेरिडिटी है, एनवायरमेंट ने कुछ करना ही नहीं है. हमने एजुकेशन क्यों देनी है? हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर काम करना है. तो सबसे ज्यादा व्यापक क्या हुआ? यहां पर लर्निंग को छोड़ दिया वैसे आपने. सेकंड आ रहा है, 73 ने चूज किया है डेवलपमेंट. राइट आंसर इज डेवलपमेंट. ग्रोथ को क्यों चूज किया, मैच्योरेशन को क्यों चूज किया? जब मैंने टॉपिक शुरू किया था तो मैंने ये बात की थी कि तो जैसे हम लर्निंग भी चूज कर सकते थे. क्यों? क्योंकि हम जैसे एक्सपीरियंस, हर चीज का एक्सपीरियंस ले रहे हैं, है ना. अगर हम कुछ अभी सीख रहे हैं तो हर एक जगह पे, हर एक फील्ड पे हम उसको सीखते हैं. मतलब जरूरी नहीं है कि हमने एक जगह पे सीख लिया तो दूसरी जगह पे हमें कुछ सिखाने वाला नहीं होगा, कोई किसी से हमें सीख नहीं मिलेगी. तो लर्निंग भी हो सकता है कि लर्निंग हम थ्रू आउट द मतलब एक्सपीरियंस या टाइम हम सीख सकते हैं. शाबाश राजे, आप, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर देना, आपको आंसर मिल जाएगा. लर्निंग पॉजिटिव होती है हमेशा या नेगेटिव भी होती है? बोथ, बोथ हो सकती है. बोथ होती है. नेगेटिव की एग्जांपल दोगे या मैं दूंगा? नेगेटिव जैसे, अगर नेगेटिव जैसे हम जैसे फ्रेंड्स बैठे हैं तो अगर कोई किसी टॉपिक पे डिस्कशन हो रही है तो कुछ उस टॉपिक को मतलब नेगेटिव वे से सोचेगा कि नहीं नहीं ये होगा, कुछ पॉजिटिव होगा. तो डिपेंड करता है. हाँ, चोरी. वेरी इजी. क्या इव टीजिंग, लड़कियों को छेड़ा नहीं जाता? यस सर. आज भी डैश डैश घटनाएं हो रही हैं कि नहीं? हर सेकंड में इंडिया में एक हो रहा है. तो वो क्या है? तो वो उनको, उनको चोर, उनको क्रिमिनल किसने बनाया? वो उन्होंने लर्न नहीं किया? सब कुछ उन्होंने लर्न किया है. बिहेवियरिज्म कह रहा है सब कुछ उन्होंने लर्न किया. लादेन ने WTC ही उड़ा दिया. कितने लोग एक सेकंड में, मतलब एक घंटे में उड़ा दिए. तो उसका क्या प्लान, ऐसा बड़ा, इतना बड़ा प्लान उसने लर्न नहीं किया? उसका आइडिया नहीं था, उसकी इंसाइट नहीं थी? उसने सारा कुछ ही डिस्ट्रॉय कर दिया. जितने टेररिस्ट हैं, जितने अनसोशल एलिमेंट है, वो सारे लर्न नहीं करते. क्या हम एजुकेशन में वो बनाना चाहते हैं? तो लर्निंग कैन बी नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली. लेकिन जब हमने डेवलपमेंट की डेफिनेशन की थी, मैंने क्या कहा, कलाम साहब की मैंने कलाम साहब की बात की है, अमिताभ बच्चन की बात की है, लता मंगेशकर की बात की है. वो हमें ऐसे पर्सन चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें गुरु नानक, महात्मा बुद्ध, राम, ये चाहिए कि नहीं चाहिए? एजुकेशन ने क्या प्रोड्यूस करने हैं? ये प्रोड्यूस करने हैं, ये. अब ये लार्जली नेगेटिव भी हो सकती है. दैट इज वाई लर्निंग का इतना बड़ा पार्ट नेगेटिव हो रहा है. 50-50% बेशक आप ले लो, तो दैट इज वाई उसको चूज ही नहीं कर सकते आप. और डेवलपमेंट में कॉम्प्रिहेंसिव है ना, ये आंसर एक्चुअली कहां है? क्योंकि डेवलपमेंट में सारे आस्पेक्ट, कॉग्निटिव, मॉरल, सोशल, इमोशनल, है ना, सारे होलिस्टिक है. होलिस्टिक इसकी डेफिनेशन ही यही है कि होलिस्टिक है. लर्निंग जो है स्पेसिफिक है, वेरी स्पेसिफिक. सर, डेवलपमेंट भी तो नेगेटिव हो सकती है. हाँ, हरलॉक जिसकी बुक, ये बुक पकड़ा ना, ये बाय चांस ये बुक पड़ी हुई है, ये आपके TET या वर्ल्ड में कोई भी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ी जानी है, ये बुक द फंडामेंटल बुक है. इसके बड़े ही क्वेश्चन इसमें मैंने सुजेस्ट भी किया जाता है. ये ऑथर सुजेस्ट करता है, डेफिनेशन ये दे रहा है कि प्रोग्रेसिव है, पॉजिटिव चेंज है. वो कह रहा है नेगेटिव चेंज को हम शामिल नहीं करते. एक और थिंकर है, वो कह रहा है कुछ नेगेटिव चेंज भी आ सकते हैं, लेकिन वो ये ऐसे बात नहीं होगी, वो डिफरेंटली बात है, वो यहां नहीं समझ आएगी आपको. तो डेवलपमेंट, आप ये देखो ना, आप एग्जांपल को पहले लो, फिर सोचो. आप मुझे बताओ कि नेगेटिव डेवलपमेंट किसकी हुई है? आप कहते हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप कहते हो सोशल डेवलपमेंट. तो सर, जैसे अमेरिका है, वो डेवलप्ड कंट्री मानी जाती है,
तो उसमें सर एक रीजन ये भी है कि उनके पास वेपन्स बहुत है, तो वो तो एक तरीके से डिस्ट्रक्शन हो गई, तो वो तो नेगेटिव ही हुआ। डिस्ट्रक्शन जब हुई तो नेगेटिव है। आप में से जितने सुन रहे हैं उनमें से कौन कहता है कि हिरोशिमा नाकासाकी पर बम फेंक देना एक पॉजिटिव घटना है या नेगेटिव घटना है? नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव। तो कौन, आप कोई भी वर्ल्ड में से पर्सन लेके आओ कि बम फेंकना डेवलपमेंट है, कोई भी रॉन्ग, कोई भी। आपका बच्चा बहुत अच्छा वो बन जाता है, बदमाश बन जाता है, डरा के आता है, कौन चाहता है, कौन करना चाहता है? कोई भी नहीं करना चाहता। हमने, आपने बहुत अच्छी बात की है, हमने डेफिनेशन को चेंज कर लिया है। जिन्होंने डेफिनेशन को चेंज कर लिया है उन, वो एजुकेटेड नहीं है। हम एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, हमने उनकी डेफिनेशन भी चेंज करनी है और डेवलपमेंट को पॉजिटिव ही लेके चलना है कि हम अच्छा भला कर सके, हम किसी का बेनिफिट कर सके, हम किसी को ऊंचा उठा सके, हम किसी को दे सके। लेकिन जब छीनने की बात आती है, चोरी की बात आती है, टेररिज्म की बात, तो वो एक्सेप्टेबल कहां एक्सेप्टेबल है? आप टेररिस्ट में रहना चाहोगे? कभी नहीं रहना चाहोगे। तो आप यही, इसीलिए तो इंटरेक्शन हो रहा है कि जब आप एग्जाम्पल को याद रखोगे, कलाम साहब को याद रख लो, अपने इष्ट को याद रख लो कि उन्होंने भलाई किया, जिसको भी आप माथा टेकते हो उसने, उन्होंने भलाई किया, अच्छा ही किया, आपको ऊंचाई उठाया, आपको मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव देने की सब की है कोशिश, तो डेवलपमेंट की वो एग्जांपल याद रखो ना। तो लर्निंग की दोनों रखनी पड़ेगी। हाँ, जब एजुकेशन में आते हो तो हमने नेगेटिव को डिस्करेज करना है। जब आपको ऑप्शन आता है पेडागोजी में कि बच्चे को पनिश करेंगे जी, बच्चे को डिस्करेज करेंगे कि शोर मत मचाओ, नहीं, वहां भी पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव देना है, पॉजिटिव करना है, पॉजिटिविटी पर ही जोर देना, दैट इज व्हाई ये टेस्ट रखा गया है आपके लिए, है ना? गुड, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अब कैसे सोचना है देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट लर्निंग, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा किसको, लर्निंग को, सीखने को। अब एग्जाम्पल वो याद रखना कि बच्चा ये था, सॉरी ऐसे था, बैठ सकता है, फिर वो ऐसे, मेरे पास मूवी है, मैंने बनाई है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, फिर वो रन कर सकता है, है ना? तो ये चीज फैसिलिटेट कर रही है कि बच्चा मूव ज्यादा करेगा, जितना मूव करेगा उतना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी ज्यादा क्या होगा, मैच्योरेशन है। कितने जाने दो जवाब, कौन सी चीज है जो ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, इंस्टिंक्ट में से जो लर्निंग को फैसिलिटेट करती है, लर्निंग को। ये बात अलग है कि लर्निंग डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करती है, लर्निंग उसका पार्ट है। यस यस, मैच्योरेशन राइट आंसर, 33% सी लिया, यस राइट आंसर इज मैच्योरेशन। मैच्योरेशन की एग्जाम्पल दी थी ना, बायोलॉजिकल चेंज आए कि बच्चा बैठना शुरू हो गया, खड़ा हो गया, दौड़ने लगा, इधर उधर जाने लगा, उतनी मूवमेंट जितनी बड़ी, जितनी मूवमेंट बढ़ेगी उतना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, जितने ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी ज्यादा लर्निंग होगी ना। तो दैट इज वाई मैच्योरेशन ने क्या किया, एक्सपीरियंस आपके बड़े कर दिए, ज्यादा एक्सपीरियंस आप कर सकते हो। जब आपके पास मोबाइल आ गया, आप अमेरिका का भी, इधर का इंग्लैंड का भी, जब आप बाहर जा सकते हो तो अब आप तमिलनाडु तक, चेन्नई तक, इधर महाराष्ट्र तक जा सकते हो, उतनी ज्यादा लर्निंग नहीं होगी जितना आप मूव कर सकते हो। मूव करने के लिए मैच्योरेशन हेल्प कर रही है ना, मूव करने के लिए, ये फंडामेंटल है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ए रिसर्चर और टीचर ऑब्जर्व चेंज इन साइज ऑफ लर्नर। तो इसमें से साइज ऑफ, मैंने साइज को कर लिया अंडरलाइन, हाईलाइट, वो साइज पर चेंज, साइज में देख रहा है लर्नर में क्या क्या चेंज आए हैं। तो टीचर इज फोकसिंग ऑन, एक शोधकर्ता या शिक्षक शिक्षा आकार पर, आकार के परिवर्तन में को देखता है, तो वो किसको देख रहा है, किस पर फोकस कर रहा है, लर्निंग पर, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट, ग्रोथ। यस आंसर आ गए, यस आंसर दीजिए जल्दी।
जल्दी 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 जल्दी, साइज साइज, यस यस यस, इसका मतलब है आपको नोटबुक में नोट करना पड़ेगा साइज की डेफिनेशन। ये बड़ा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, सबसे लंबा व्यक्ति दिखाया था, है ना? तो साइज का संबंध किससे है? आप कर रहे हैं 71% का आंसर ठीक है, 71% का, ओके। नहीं, मैच्योरेशन ने तो मतलब बायोलॉजिकल चेंज जो आ रहे हैं वो बायोलॉजिकल चेंज बाहर थोड़ी दिखाई दे रहे हैं, अंदर है ना, है ना? हाँ, सिटिंग स्टैंड वाला दिखाई दे रहा है, लेकिन सेक्सुअल जो है वो अंदर हो रहा है। तो जब साइज की बात होगी तब ग्रोथ ही है, क्योंकि डेफिनेशन का मेजर कंपोनेंट साइज है, दूसरा है अपीयरेंस, तीसरा है हाइट, तीसरा है, अगला है वेट, ये वाली बातें जब आती है। नेक्स्ट चलते हैं। लर्नर स्टार्ट्स राइटिंग एबीसी, एक शिक्षक के साथ बातचीत के बाद शिक्षार्थी एबीसी लिखना शुरू कर देता है, ये किसका उदाहरण है? ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, लर्निंग, ये किसका उदाहरण है? हाँ जी, यस, एबीसी लिखनी शुरू कर दी, दोबारा आ गया नेक्स्ट वाला। हाँ जी, डिस्प्ले हो गया है एबीसी लिखनी शुरू कर दी, वेरी इजी। एक जने ने बी भी चूज किया है, डेवलपमेंट। ये क्या है, ये वाली, एक जने ने ये चूज किया है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग। क्लासरूम एन इफेक्टिव टीचर शुड फोकस ऑन, एक कक्षा में, क्लासरूम है, अब क्लासरूम है, क्लासरूम से बाहर नहीं लेके गया हूं मैं, लाइफ में नहीं लेके गया, मैं क्लासरूम में हूं, यहां पर ये रहे स्टूडेंट टीचर और ये रहे ये, टीचर को फोकस करना चाहिए किस पर? क्लासरूम में ग्रोथ करेगा, साइज को बड़ा करेगा, साइज को बड़ा करना है, डेवलप करना है, क्लास में कलाम साहब बना देना है, कलाम साहब बना दूं, मैच्योर कर दूं कि बैठ रहा है तो उसको दौड़ने लगा दूं, ऐसा करना है या लर्निंग को? देखिए, सोचिए, यस आंसर इज, दीजिए आंसर। पहला क्वेश्चन है, अच्छा, साइज को भी बड़ा करना है भाई। ये कौन कह रहा है कि क्लासरूम में आपको ने बच्चे के साइज को बड़ा करना है? अच्छा, क्लासरूम में आपने कलाम, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर क्लासरूम में बन जाएंगे कि क्लासरूम में नहीं, लाइफ के एक्सपीरियंस से बनेंगे, बड़े बड़े एक्सपीरियंस में, कभी विजिट कराने के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए ग्राउंड में लेके जाओगे, लैब में लेके जाओगे, यहां सिर्फ क्लासरूम है। तो आंसर इज लर्निंग। नेक्स्ट है एन इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, नाउ अंडरलाइन कीजिए कि एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है, शुड फोकस ऑन ग्रोथ पर, मतलब साइज बड़ा करे सभी का, सभी का साइज बड़ा करना है जी, नहीं, डेवलपमेंट, हमें अच्छे कलाम साहब की तरह लोग बनाने हैं ये, और मैच्योरेशन, लर्निंग, पिछला था क्लासरूम, अब है टोटल एजुकेशन सिस्टम। आंसर दीजिए प्लीज, यस, 71 ने चूज किया है, यस, चेंज हो रहे हैं, अभी आ रहे हैं, यस, एक जने ने सी भी चूज किया है, मैच्योरेशन करवाएंगे, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, जब कहा है कि हेरिडिटी के द्वारा है, हेरिडिटी को चेंज नहीं आप कर सकते, क्योंकि ग्रोथ एंड मैच्योरेशन लार्जली डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी, दैट इज व्हाई यू कांट चेंज इट, है ना? आप थोड़ा सा इन्फ्लुएंस 5% रख सकते हो, आप लर्न करवा सकते हो क्लासरूम में, लेकिन एज होल एजुकेशन, सभी क्लासेस में सभी तरह के एक्सपीरियंस देके आपने डेवलप करना है। क्यों? एजुकेशन का एम क्या है? मैं वैसे डिफरेंट एम कह रहा हूं, बुकिश लैंग्वेज है, ऑलराउंड डेवलपमेंट कहा जाता है। तो उसके ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने बनाया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं साफ साफ। नेक्स्ट है, क्वेश्चन पूछना है साथ साथ में पूछो, टीचर इज क्लोजली रिलेटेड विद टीचिंग, सॉरी, शिक्षण
शिक्षण ने क्या करना है, ग्रोथ साइज को बड़ा करना है, डेवलपमेंट कलाम साहब बनाने हैं, मैच्योर करना है, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन या लर्निंग पर फोकस करना चाहिए, लर्निंग के साथ टीचिंग का संबंध क्या है, किसके साथ है, सिंपल ये क्वेश्चन है, ये आएगा क्वेश्चन, डिस्प्ले कर दीजिए। यस यस, कितने आ गए, 14, वेरी गुड। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका सभी ने ठीक जवाब दिया है, हमेशा टीचिंग का संबंध लर्निंग के साथ रहेगा। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर इज सेलेक्टिंग लर्नर फॉर वॉलीबॉल, वॉलीबॉल के लिए ना ऐसे 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 चाहिए ना लंबे लंबे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन फर्स्ट वेज सिलेक्शन इज, टीचर ने वॉलीबॉल के लिए प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, वो क्या देखेगा अब। हाँ जी, डिस्प्ले हो गए, कीजिए आंसर। यस, वॉलीबॉल के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट चाहिए कि आप बॉल को ऐसे डाल सको, ऐसे, अब सोचो। यस, एक बच्चे ने बी चूज किया है, डेवलपमेंट, आप उसकी डेवलपमेंट, आपने डेवलप करना है उसको, अभी सिलेक्ट कर रहे हो। बच्चा जब केजी में जाता है वो डेवलप हुआ हुआ है, जहां स्कूल में इसलिए भेजा गया है कि डेवलप हो, कुछ डेवलपमेंट हुई है होम में, लेकिन उस डेवलपमेंट को बड़ा करना है, अच्छा करना है, पॉजिटिव करना है, सोशलाइजेशन बेटर करनी है, ग्रोथ यहां देखी जाती है, क्योंकि साइज के साथ संबंध है बॉलीवुड वॉलीबॉल का। आफ्टर मेनी अटेम्प्ट्स एन 8 year लर्नर कुड नॉट सॉल्व 2+2, बड़ी कोशिश की वो सॉल्व नहीं कर सका, 2+2 क्या होते हैं, हल नहीं कर सका। द प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद साइज के साथ, उसके साइज के साथ, उसकी डेवलपमेंट के साथ, मैच्योरेशन के, लर्निंग, प्रॉब्लम कौन सी है। यस, करें आंसर। नेक्स्ट है, ग्रोथ के साथ, साइज का कोई मीनिंग नहीं है, छोटा बच्चा 8 साल की एज दे दी ना, 8 साल की एज बता दी है, तो साइज का कोई संबंध ही नहीं है उसके साथ। डेवलपमेंट फिर होलिस्टिक है, बड़ा कंसेप्ट है, दैट इज वाई 2 और 2 की बात हो रही है। अभी हमने कहा था कि 1 second में भी लर्न, इट मीन लर्निंग इज वेरी स्पेसिफिक। द राइट आंसर इज 63 जनों ने दिया है राइट आंसर, ठीक है, दैट इज लर्निंग, 2+2 लर्निंग की प्रॉब्लम है ना, स्पेसिफिक है। अच्छा, विच इज नॉट कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये नेक्स्ट में भी हम करेंगे, डिस्प्ले कर दीजिए। विच इज नॉट कंटिन्यूअस प्रोसेस, देखो ये ग्रोथ क्या कंटिन्यूअस होती रहती है, 8 foot कितने इंच था उससे भी लंबा वो होता रहेगा क्या आप, हाँ, डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है जहां चेंज इन इमोशंस या लर्निंग, यहां पर है नॉट, याद रखना क्या नहीं है, डेवलपमेंट, चेंज इन इमोशन, लर्निंग, ग्रोथ। यस, ऑप्शन है, हाँ, 67 ने चूज किया है राइट आंसर, ग्रोथ। ग्रोथ 20 साल के बाद, 21 साल के बाद, 19 साल के बाद, 22 साल के बाद, यहां तक रुक जाएगी, उसके बाद नहीं होगा, रुक जाएगी। एक बात और, जब मैं इसका क्रिटिकल एनालिसिस करूंगा तो मैं बाल की एग्जांपल दूंगा, बाल नहीं कभी भी रुकते। क्रिटिकल लर्न करना है तो वो फिर ज्यादा चाहिए, है ना। विच इज डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी, ये क्वेश्चन पर डिस्कशन बहुत हुई है, अब इसमें बेस्ट आंसर चूज करना है आपने, उसके लिए सबसे पहले डिलीट कर दो कि जो हेरिडिटी द्वारा कम, एक्सपीरियंस द्वारा ज्यादा डिटरमाइंड किए जाते हैं, वो कौन सा है, दीजिए आंसर। यस, सी को ज्यादा ऑप्ट कर रहे हैं, सी को, विच इज डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी। यस, सी सबसे ज्यादा चूज किया है राइट, वेरी गुड। देखिए, फर्स्ट रैंक इसका निकाला था हेरिडिटी, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो ग्रोथ आएगा, सेकंड रैंक इसका है, ठीक, तो ये वाले तो एक्सपीरियंस के साथ ज्यादा रिलेटेड है ही है। नेक्स्ट है, द टर्म चाइल्ड इन डेवलपमेंट, द टर्म चाइल्ड इन चाइल्ड डेवलपमेंट कंसेप्ट, बर्थ से एडोलसेंट तक, कंसेप्शन से चाइल्डहुड तक, कंसेप्शन से एडोलसेंट तक, बर्थ से लेट चाइल्डहुड तक, कौन सा राइट आंसर है, के सी,
यस ऑप्शन दीजिए। यस गर्भाधारण से एक सेल से शुरू होके डेथ तक, वॉर्म से टॉम तक है चाइल्ड, कि वो सिर्फ चाइल्डहुड तक है जहां अडोलसेंट तक है। यस ये शुरू में बात की थी, शुरू 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 में चूज किया है। यस अब फर्स्ट को भी चूज करने लगे हैं, बर्थ से लेके अडोलसेंट तक। 9 महीने का पीरियड डेवलपमेंट में शामिल है कि नहीं? वो फिल्म है बड़ी अच्छी, वो क्या था जिसमें वो प्रेग्नेंट वुमेन के साथ ऐसे कान लगा के देखता है, वो कहता है लात मारा, इसने लात मारा, मूव किया, बेबी अंदर भी मूव कर रहा है। डॉक्टर के पास जाते हो, मूवमेंट भी चेक होती है, सिर्फ उसका साइज ही नहीं चेक होता, और साइज की बात है डेवलपमेंट में वो भी शामिल है। अब सोचो कि राइट आंसर इज कंसेप्शन से अडोलसेंट तक, कंसेप्शन से अडोलसेंट तक 9 महीने का पीरियड भी बीच में शामिल है। नेक्स्ट है चेंज ड्यू टू एक्सपीरियंस। ये हाँ जी बताइए। देखो जितनी गलतियां कर रहे हो वो अच्छी बात है, उससे भी लर्न कर रहे हैं। चेंज ड्यू टू एक्सपीरियंस, यस डिस्प्ले कर दीजिए। मेच्योरेशन के साथ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के साथ या ऑटोमेटिक है मेच्योरेशन? हेरिडिटी से है या एक्सपीरियंस से है मेच्योरेशन? अभी अभी करके आए हैं, डिस्प्ले हो गया। मेच्योरेशन भी दो जनों ने चूज किया है, ज्यादा ने किया है, दो जनों ने शायद। हाँ, जब एक्सपीरियंस की बात आनी है तो सबसे ज्यादा आपने चूज करना है एक्सपीरियंस, जब आता है तो लर्निंग को चूज करना है, लर्निंग एक्सपीरियंस। हाँ जब आता है एक्सपीरियंस और मैच्योरेशन एंड लर्निंग, ये फिर डेवलपमेंट को चूज करना है। नेक्स्ट चलते हैं। स्ट्रॉन्गली इंटरकनेक्टेड चेंजेस इन ऑल डोमेन ऑफ बिहेवियर, डोमेन फिजिकल कॉग्निटिव अफेक्टिव आपस में जुड़े हुए हैं, जुड़कर क्या इंटेग्रेशन बन जाती है, होल बन जाता है। वो क्या है? ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, मेच्योरेशन है, लर्निंग है। यस आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट है, डिस्प्ले हो गया है, देखिए। स्ट्रॉन्गली इंटरकनेक्टेड, मैं अंडरलाइन करूंगा इंटरकनेक्टेड को, जब इंटरकनेक्टेड है इट मींस फिजिकल इमोशनल सोशल मॉरल, दे आर इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड इट मींस ये होल हो गया। अब चूज करो, अब चूज करो, कर लिया, आ गए सारे आंसर। ग्रोथ, हाँ? जब सिर्फ फिजिकल चेंज है तो ग्रोथ आएगा, है ना? तो सभी की जब बात हो रही है, सभी की बात, ये क्वेश्चन आएंगे, ये वाले तो पक्का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो डेवलपमेंट है ना, जब सारा आ गया, होल हो गया, होलिस्टिक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज स्किल एंड बिहेवियर इज एक्वायरिंग, ये इसको अंडरलाइन करना है, अब सोचना है। इट मींस एक्वायरिंग है, इट मींस एनवायरमेंट की बात है, इट मींस एक्सपीरियंस की बात है, इट मींस हेरिडिटी का नहीं है। हेरिडिटी जिस जो डोमिनेट करती है वो निकाल दो, पहले निकालो हेरिडिटी। वो हेरिडिटी क्या है? ये वाला निकाल दिया, मैच्योरेशन निकाल दिया, अब इसमें से आंसर है डेवलपमेंट या लर्निंग में से। तो अब नॉलेज स्किल या बिहेवियर, हाँ ये एक्चुअली डेफिनेशन ही वेरी गुड, 80% का लर्निंग है राइट आंसर। देखिए ये डेफिनेशन ही लर्निंग की है ना, प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज वो डेवलपमेंट की है, वहां से उठाया है मैंने। नेक्स्ट है, यस इसमें पिच, हाँ जी डेवलपमेंट क्यों नहीं आएगा? यस बात करनी है यहां पर, डेवलपमेंट क्यों नहीं आएगा? वेरी गुड, जिसने भी क्वेश्चन किया उसके लिए शाबाश है। डेवलपमेंट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहां पर प्रोग्रेसिव सीरीज और होल ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड नहीं है।
एक्वायरिंग है, एक्वायरिंग जब लॉन्ग प्रोसेस में हो, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में अभी बात की थी ना कि जो लंबी प्रोसेस लगेगी डेवलपमेंट के लिए, लर्निंग के लिए। तो आप नॉलेज तो एक आज नॉलेज ली नहीं है कोई, आपने ली है सर। एक मिनट में होगी ना कोई स्किल, मान लीजिए आज बच्चे ने ए लिखना शुरू कर दिया, राइटिंग स्किल हो गई शुरू, है ना, बच्चे ने पेन नहीं पकड़ना, ऐसे से ऐसे पकड़ा था, आज ऐसे पकड़ लिया, तो स्किल डेवलपमेंट हो गई। ये लर्निंग के एग्जांपल्स हैं, है ना। अगर होल शब्द होता यहां पर, इंटर रिलेटेड शब्द होता, प्रोग्रेसिव सीरीज शब्द होता, सेल्फ डिपेंडेंट की बात करते, कलाम साहब की बात करते, कलाम साहब बन रहे हैं क्या? अब ये बताओ मुझे कि यहां पर लादेन के ने नॉलेज ग्रहण नहीं की, स्किल नहीं की, बिहेवियर नहीं चेंज हुआ, लेकिन WTC उड़ा दिया, है ना। वो क्रिटिकल क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, बिल्कुल ठीक, लेकिन ऐसे सोचना है, इसीलिए ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। बस दो तीन क्वेश्चन और रह गए हैं। विच इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय जीन्स, ये इजी है, मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय जीन्स। अब मैंने क्या किया, मैच्योरेशन को हटा दिया, आप मैच्योरेशन पर फिक्स ना हो, मैच्योरेशन सबसे पहले आनी थी, अब मैच्योरेशन नहीं है, अब क्या करोगे सबसे ज्यादा? आंसर दे दिया, यस 93% ने ग्रोथ कहा है, यही राइट आंसर है, इन्फ्लुएंस्ड बाय जीन्स। सेकंड भी एजुकेशन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट राजे ये है हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, दोनों इक्वल हैं। अगर वैसे ये इसको नुक्ता मत लेना, समझाने के लिए बोल रहा हूं, 50-50 ये ज्यादा ही होगा, ये डिबेट है, बाद में इस पर क्लास लगेगी। एजुकेशन किसी ने चूज किया है, एजुकेशन जीन्स थोड़ी है, एजुकेशन इज एनवायरनमेंट। आप स्कूल, अच्छा स्कूल ढूंढते हो या गंदा स्कूल, एनवायरनमेंट अच्छा ढूंढते हो ना, अच्छे स्कूल में डालना है बच्चे को, दैट इज व्हाई ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। अच्छा, फिजिकल इमोशनल सोशल एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ, फिजिकल इमोशनल सोशल इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ, सारे एस्पेक्ट किसमें शामिल होंगे? दो आंसर जल्दी से, शाबाश शाबाश। मैच्योरेशन में, मैच्योरेशन भी एक दो जनों ने चूज किया है। देखिए मैच्योरेशन क्या था, फिर से रिपीट हो रहा है, बायोलॉजिकल फिजिकल आ रहा है, ग्रोथ भी फिजिकल वर्ड चुन रहा हूं मैं, और कॉग्निशन नॉलेज थिंकिंग, ये डेवलपमेंट में फिजिकल इमोशनल सोशल इंटेलेक्ट सारे आएंगे, सारे सारे, दैट इज व्हाई राइट आंसर इज डेवलपमेंट। विच इज नॉट एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ, नॉट, अब अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन कर लो, आगे से क्लास छोटी लगानी है, बहुत लंबी होगी। नॉट एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ, जल्दी से, यस आंसर है, यस। एक दो जने ने सी और ये चूज किया है, शेप इज ग्रोथ, साइज अपीयरेंस, वेट भी है, अपीयरेंस भी है, फंक्शनिंग नहीं है। फंक्शनिंग मीन आपने आपके हाथ है ना, हाथ बड़े हो रहे हैं, यस ग्रोथ है। जब इन हाथों ने बड़ी अच्छी कलम चलाना, ड्राइंग करना शुरू कर, दिस इज फंक्शनिंग। तो फंक्शनिंग इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रोथ, दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच वर्ड इज कॉमन टू डिफाइन ग्रोथ डेवलपमेंट मैच्योरेशन एंड लर्निंग, कौन सा शब्द परिभाषित करने के लिए सामान्य है, वृद्धि विकास परिपक्वता और सीखना? यस, हेरिडिटी एनवायरमेंट चेंज मॉडिफिकेशन। अच्छा, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट चाहिए ग्रोथ, ये वो सभी को एक कॉमन वर्ड शुरू में लिखा था, द वर्ड इज चेंज, के बिना आप इनको एनवायरमेंट ये डिफाइन नहीं कर सकते। एक बात देख लेना, चेंज जो ऑटोमेटिक हैं, ऑटोमेटिक हैं, वो हो गए मैच्योरेशन, ओके। चेंज इन अपीयरेंस जहां साइज हैं, वो हो गए ग्रोथ।
चेंज ड्यू टू एक्सपीरियंस हैं वो हो गए लर्निंग, और जो हेरिडिटी एनवायरनमेंट से सारे चेंज शामिल है वो डेवलपमेंट हो गई। इतनी बात है। नेक्स्ट है, वरुण इज टालर देन रमेश, द स्टेटमेंट इज इंडिकेटिंग ग्रोथ डेवलपमेंट मैच्योरेशन एंड लर्निंग। एक टीचर देख रहा है कौन किससे बड़ा है, वरुण उससे टालर है। ये ग्रोथ देख रहे हैं, डेवलपमेंट मैच्योरेशन लर्निंग। यस दीजिए आंसर। यस कर दिया डिस्प्ले, आंसर दे रहे हैं। अब फोकस कीजिए आप यहां पर टालर पर। जब टालर आ रहा है, ये हो गया वरुण और ये हो गया रमेश, ये देख रहा है। इट मीन साइज पर फोकस हो रहा है। जब साइज पर फोकस हो रहा है तो कौन सा कंसेप्ट है? अब दोबारा दीजिए इनको, दोबारा उत्तर दीजिए। अब हैंड पोल हो गया, नेक्स्ट है रीपोल। अब दीजिए उत्तर, क्या देख रहे हैं वो? आंसर मिल गया आपको। यस यस, अभी भी एक जना सोच रहा है कि वो डेवलपमेंट को देख रहा है। साइज को जब देख रहे हैं तो ग्रोथ को देख रहे हैं। नेक्स्ट है विच इज करेक्ट स्टेटमेंट एज एग्जाम्पल ऑफ मैच्योरेशन। ये डिफिकल्ट है ये। रोहन ने बैठना सीख लिया है या रोहन बैठने लगा है? दोनों, नन ऑफ दीज, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये पक्की बात है। डिस्प्ले हो गया है। मैच्योरेशन को डिफाइन करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? रोहन ने लर्न कर लिया है, रोहन स्टार्ट कर दिया है, दोनों है, नन है। यस आगे आंसर। ओ वाह क्या बात है। यस यस यस, 50% ने दिया है राइट आंसर, शाबाश। ये अचीवमेंट है आज की इतनी जद्दोजहद की। रोहन ने स्टार्ट कर दिया है। लर्निंग के लिए तो एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस से मैच्योरेशन का संबंध लगभग नहीं है, नामात्र है, सबसे कम है। दैट इज वाई रोहन स्टार्ट्स, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लास्ट क्वेश्चन इज, ईशान टुक ए मेडिसिन एंड फील द चेंज इन बिहेवियर। उसने कुछ मेडिसिन ले ली है और उसकी मोशन और फीलिंग में चेंज आ गया है ना, तो ये चेंज, दिस चेंज इन बिहेवियर इज क्या है? लर्निंग है, नॉट ए लर्निंग है, मैच्योरेशन है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है। पांच उत्तर है इसमें। पांचवा उत्तर ही नहीं है। चलो डेवलपमेंट को निकाल दो यहां से, डेवलपमेंट चलो नहीं है। ये चार का उत्तर दीजिए, इसमें से कौन सा राइट आंसर है? यस आप चूज कर रहे हैं, सबसे ज्यादा चूज किया है बी, नॉट ए लर्निंग। लर्निंग क्या है? लर्निंग इज चेंज ड्यू टू एक्सपीरियंस, सिर्फ एक्सपीरियंस के कारण जो चेंज आते हैं। मेडिसिन अंदर गई वो उसके कारण चेंज आया। लर्निंग की डेफिनेशन में ड्रग्स से, मेडिसिन से, फटीग से, इवन रिफ्लेक्सेस से, ऐसी बातों से जो बिना एक्सपीरियंस के हैं वो लर्निंग में शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है? जब मेडिसिन अंदर गई, ये रहा मेडिसिन अंदर गई, चेंज आया, मेडिसिन का असर खत्म हुआ, चेंज उड़ गया, क्योंकि ये चेंज टेम्परेरी चेंज है। जितने भी टेम्परेरी चेंज हैं, आपने लर्निंग की डेफिनेशन को जब भी देखना है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज आएगा लंबे समय तक, हफ्ते हैं, महीने हैं, साल हैं, कुछ भी, इतना ज्यादा लंबा, जितना ज्यादा लंबा है चेंज आपके बिहेवियर में ड्यू टू एक्सपीरियंस, वो उतनी ज्यादा लर्निंग है। दैट इज ऑल। फीडबैक दीजिए जरूर, नेक्स्ट सेशन को इम्प्रूव करने के लिए जरूर फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक ज्यादा दीजिए। एक कॉपी पेन अपने साथ जरूर रखिए,
जहाँ वीडियो को दोबारा देख के कॉपी पेन के साथ अब कंसेप्ट आपके चारों जो क्लियर होने जाने चाहिए, मैं नेक्स्ट कोशिश करूंगा इन कंसेप्ट पर अभी नहीं क्लास कोई किसी और पर लगाऊं। क्यों, अगर आप चाहोगे तो इनकी जो जैसे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, जैसे डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, उसके 10-12 पॉइंट हैं, उस पर क्वेश्चन होंगे। आप ये चाहते हो जहाँ मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दूँ, आप मैसेज कर सकते हो। किसी भी तरह की जो टेक्निकल प्रॉब्लम आई उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरे लिए कोई सजेशन हो आप जरूर दीजिएगा। अभी तक कोई बात करनी है आप कर सकते हो। लास्ट दिस इज एंड ऑफ। यस सर, ये वीडियो हमें अवेलेबल होगा बाद में सर? टाइम? हाँ जी हाँ जी, अपलोड हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा सर, ये अपलोड हो जाएगा। शाबाश। कंसेप्ट के बारे में किसी ने बात करनी है, कहाँ पर अपलोड होगी? यूट्यूब पर होगी। तो यूट्यूब पर लर्न टू एक्चुअलाइज डॉक्टर तीरथ सिंह आप सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको। ओके, कोई क्वेश्चन पूछना है, डाउट है तो चलें चलें फिर। सेशन अच्छा था। थैंक यू। प्रॉब्लम रही थोड़ी थोड़ी मुझे ये करने भी, उसके लिए रियली माफी मांगता हूँ। मैं नहीं चाहता आपका टाइम जो डिस्टर्ब करूं, मैं चाहता हूँ कि आप स्पीड से लर्न करना चाहते हो। लर्निंग तो कोशिश करूंगा लर्न करके वो टाइम आपका बचा लूं। क्वेश्चन कितने रखने, कुछ ऐसे सुजेशन हो कि इतना टाइम इतने क्वेश्चन सर, ऐसे कोई भी सुजेशन आप दे सकते हो।